सारे खड़े होके प्रभु यीशु की स्तुति ते आराधना करेंगे, सारे तालियां बजाते हैं, गीत गा के प्रभु यीशु की स्तुति ते आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जो गीत गाना सारे ताली बजा के पैरों ने हिलाउंदे शक्ति दे प्रभु यीशु की महिमा ते वडियाई करनी है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ उठा के हाथ उठाइए, ताली बजाइए, प्रभु यीशु की महिमा करिए, स्तुति करिए, आराधना करिए, प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, जोश से ताली बजाते हैं। पूरी शक्ति ने प्रभु यीशु की महिमा की स्तुति करते हैं, बढ़ियाई करते हैं, आराधना करते हैं। पूरे जोश से ताली बजा के हाथों उठा के सारा जग पावे मैनू छड जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना। सारा जग पावे मैनू छड जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना, नहीं छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना, नहीं छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना। प्यारो यीशु दा पल्ला सुनवर उस दौ करने चंगे है भाई, अज असि भी उही प्रार्थना करनी, यीशु मैं तुहाडा पल्ला नहीं छड्डना, मैं तुहाडा पल्ला फड़ के चंगा होना, मैं तुहाडा पल्ला छू के चंगे ही पाउणी है, मेरे दुखां तों बीमारियां तों मुक्ति पाउणी है। सारे मिलके जोश नाल शक्ति नाल दुख बड़ा ही अजूब उत्ते है आया सारा बदनों का कीड़िया ने खाया सी, दुख बड़ा ही अजूब उत्ते आया सी सारा बदनों का कीड़िया ने खाया सी। ओयो कीड़ा पावे मैनू लग जावे, मैं तेरा जोश ना नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। सारा जग पावे मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना। हाथ उठा के जोश शक्ति नाच रहा है प्रभु यीशु की महिमा कर रहा है। मैं प्रभु यीशु आज मैं तुहानू नहीं छड़ना, चाहे मेरी जिंदगी में परेशानी आए, चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, मैं तुहाडा पल्ला फड़ के जीना है। पूरे विश्वास ना प्रार्थना करो, मैं प्रभु यीशु आज मैनू अपने नाल रखो, मैनू तुहाडे नाल रहण दा वरदान दो, तुहाडी महिमा करन दे लई मैनू मस्सा करो, मैनू आशीष दो, पवित्र आत्मा नाल भर दो। सारे मिलके जोश नाल शक्ति नाल दानियल नूं शेरां दे अगे सुट्टिया, उहने रज के शैतान नाल लड़िया, दानियल नूं शेरां दे अगे सुट्टिया, दानियल शेरा अगे सुटिया, उहने रज के शैतान नाल लड़िया, दानियल शेरा अगे सुटिया, भुब्बा मार पावे शेरे आ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। सारा जग पावे मैनू छड जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड़ना। हाथ उठा के जोश नाल नाच रहा है प्रभु यीशु की महिमा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, प्रभु यीशु की आराधना कर रहा है। हे प्रभु यीशु आज मैनू ही शक्ति दो, मैनू ओही पावर दो, ओही बल दो, ताकि मैं तुहाडा पल्ला फड़ के जी सका, दुख दे विच परेशानी दे विच भी मैं तुहाडे नाल जुड़ के रह सका। सारे मिलके पूरे जोश शक्ति नाल तालियां बजा रहे हैं।
है। हे प्रवेश आज मेरे दुखी जीवन वाल देखो, आज मेरी दुखी जिंदगी वाल देखो, आज मैंने शो के चंगा करो, मेरे परिवार से दर्श करो, दया करो, रहम करो, पूरे जोश शक्ति ना तालु चंद है। गल सुन लो रब दे प्यारे ओ, एवें दुखां विच हिम्मत ना हारियो, गल सुन लो रब दे प्यारे ओ, एवें दुखां विच हिम्मत हिम्मत न हारियो, गल सुन लो रब दे प्यारियो, आउंदी मौत पावे, आउंदी मौत पावे, मैनू आ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना, नहीं छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना, सारा जग पावे, मैनू छड्ड जावे, मैं पल्ला तेरा दुख बड़ा ही अजूब उत्ते आया सी, सारा बदन ओदा कीड़िया ने खाया सी, दुख बड़ा ही अजूब उत्ते आया सी, सारा बदन ओदा कीड़िया ने खाया सी, जोश बड़ा ही अजूब उत्ते आया सी, सारा बदन ओदा कीड़िया ने खाया सी, दुख बड़ा ही अजूब उत्ते आया सी, सारा बदन ओदा कीड़िया ने खाया सी, ओयो कीड़ा पावे मैनू लग जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना, सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड्ड जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना, नहीं छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना। हे प्रवेश आज मेरे ते दया करो, आज मैं ओही शक्ति दो, ओही बल दो, जो बल तुसे अजूब न दिता, जो पावर तुसे अजूब न बिंदती, जो शक्ति तुसे दानियल न बिंदती, आज ओही शक्ति मेरे विच भी पाओ, नीचे जोश ना शक्ति ना नाच दे है। दानियल नूसी शेरा है अगे है सुटे आ, ओ ते रज के शतान नाल लड़े आ, दानियल नूसी शेरा है अगे है सुटे आ, ओ ते रज के शतान नाल लड़े आ, दानियल नूसी शेरा है अगे है सुटे आ, ओ ते रज के शतान नाल लड़े आ, हाथ उठाइए, दानियल नूसी शेरा है अगे है सुटे आ, ओ ते रज के शतान नाल लड़े आ, उबा मार पावे, उबा मार पावे, शेरे यार पावे, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना, नहीं छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना, नहीं छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना, सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड्ड जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना, नहीं छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना। अपने हाथों नु बठांदे जोश ना शक्ति ना तालियां बजांदे ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦਰਸ ਕਰੋ।
सुन लवो रब जे प्यारे हो एवें दुखां विच हिम्मत ना हारे हो गल सुन लो रब दे प्यारे हो एवें दुखां विच हिम्मत ना हारे हो गल सुन लवो रब जे प्यारे हो एवें दुखां विच हिम्मत ना हारे हो गल सुन लो रब दे प्यारे हो प्रभु यीशु दी वडियाई होवे प्रभु यीशु दी स्तुति होवे प्रभु यीशु दी महिमा होवे प्रभु यीशु दी महिमा होवे हालेलुया 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 प्रभु यीशु दी वडियाई होवे प्रभु यीशु दी वडियाई होवे प्रभु यीशु दी स्तुति होवे प्रभु यीशु दी स्तुति होवे प्रभु यीशु दी महिमा होवे प्रभु यीशु दी महिमा होवे हालेलुया 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 ऐ प्रभु यीशु ऐ प्रभु यीशु साडे उत्ते दया करो साडे उत्ते दया करो ऐ प्रभु यीशु ऐ प्रभु यीशु साडे उत्ते रहम करो साडे उत्ते रहम करो हालेलुया 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 Hallelujah! 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 Oh, Maa Mariam, di aadar de vich, jo vi assi ped padhiye, Yesu di Maa, saadi Maa, saade saareyan utte apna fazal, apni daya, ate apni kirpa bakshe. रसूला दा कलमा मैं खुदा उत्ते मार रखदा हां जेड़ा बाग पूरी कुदरत वाला आसमान ते जमीन दा पैदा करन वाला है मैं यीशु मसीह उत्ते मार रखदी हां जेड़ा सदा इकलौता बेटा ते साडा खुदावंद है ओह रूह पाक दी कुदरत नाल कुंवारी मरियम दे गर्भ विच पिया अते उस तो जमया उसने पैन तुस ते पहला तुस जद सलीब उत्ते चढ़ाया गया मर गया ते दबया गया वर्ज के विच जा उतरिया शराकत गुनाह दी माफी जिस्म दा जी उठना हमेशा जिंदगी उत्ते आमीन जेड़ा तू आसमान ते है तेरा नाम पाक मनिया जावे तेरा राज तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे साडे रोज दी रोटी असन दे साडे कसूर सानु माफ कर जिस तरह सी अपने कसूरवारां नु माफ कर दे हां सानु अजमाइश विच ना पा सगो बुराई तो बचा आमीन सलामे मरियम फजल नाल भरी होई खुदावन तेरे नाल है तू औरतां विचो तन है तन तेरी कुख दा फल यीशु हजरत मरियम खुदा दी मां असां गुनहगारां लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले आमीन सलामे मरियम फजल नाल भरी होई खुदावन तेरे नाल है तू औरतां विचो तन है तन तेरी कुख दा फल यीशु हजरत मरियम खुदा दी मां असां गुनहगारां लई दुआ कर बाप अते बेटा रूह पाक दी वडियाई होवे दुख दे पंज भेद दुख दा पहला भेद गत सामणी बाक विच प्रभु यीशु मसीह दी जान कढ़नी इस भेद द्वारा असी प्रार्थना करदे हां जिन्ने भी साडे भैण भरा इस हैकल विच इस बंदगी दे विच प्रार्थना दे विच आउण अज चंगियाई लैके
परेशानियां छड़ के अते खुदा दे कोलो आशीष अते बरकता लेके जान। मां मरियम दी आदर दे विच ए भेद पढ़दे हां। आई साडे बाप तू जड़ा आसमान उत्ते है, तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन उत्ते भी होवे। साडे रोज दी रोटी आसां दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असि अपने कसूरां नू माफ करदे हां, सानू जमैश विच ना पा सगो बुराई तो बचा, आमीन। सलामे मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरी कुख दा फल यीशु। हजरत मरियम खुदा दी मां, असा गुनाहगार गवाह कर हुण ते साडी मौत दे ले, आमीन। सलामे मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरी कुख दा फल यीशु। हजरत मरियम खुदा दी मां, असा गुनाहगार वाली दुआ कर हुण ते साडी मौत दे ले, आमीन। सलामे मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरी कुख दा फल यीशु। हजरत मरियम खुदा दी मां, असा गुनाहगार वाली दुआ कर हुण ते साडी मौत दे ले, आमीन। सलामे मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरी कुख दा फल यीशु। हजरत मरियम खुदा दी मां, असा गुनाहगार वाली दुआ कर हुण ते साडी मौत दे ले, आमीन। सलामे मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरी कुख दा फल यीशु। हजरत मरियम खुदा दी मां, असा गुनाहगार वाली दुआ कर हुण ते साडी मौत दे ले, आमीन। सलामे मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरी कुख दा फल यीशु। हजरत मरियम खुदा दी मां, असा गुनाहगार वाली दुआ कर हुण ते साडी मौत दे ले, आमीन। सलामे मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरी कुख दा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असा गुनाहगार लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। सलामे मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरी कुख दा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असा गुनाहगार लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। सलामे मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरी कुख दा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असा गुनाहगार लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। सलामे मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावंद तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरी कुख दा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असा गुनाहगार लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। बाप ते बेटे ते रूह पाक दी वडियाई होवे, जेड़ी मुड़ तो सी हमेशा तक हुंदी रहेगी, आमीन। दुख दा दूसरा भेद, प्रभु यीशु मसीह नूं कोड़ियां दे नाल मारिया जाना। इस भेद द्वारा असी प्रार्थना करते हां, जिन्हें भी साडे भैण भरा बीमार ने, परेशान ने, गुलामी च अपना जीवन गुजार रहे ने, अते शैतान दी जकड़ विच ने, असी इस भेद द्वारा प्रार्थना करते हाँ कि यीशु मसीह उन्हां ते अपनी अज दया, अपनी कृपा अते अपनी रहमत बख्शे। मां मरियम दी आदर दे विच ए भेद पढ़ते हाँ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਮੈਸ਼ ਚ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਆਮੀਨ। ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਆ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਨ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ। ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਆਮੀਨ। ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਆਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਨ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ। ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਆਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਆਮੀਨ। ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਆਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ,
ਤੋ ਹਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨਿਆ ਨਾਲੇ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਕੋ ਖੁਦਾ ਫੜ ਯਸੂ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੋ ਹਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨਿਆ ਨਾਲੇ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਕੋ ਖੁਦਾ ਫੜ ਯਸੂ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੋ ਹਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨਿਆ ਨਾਲੇ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਕੋ ਖੁਦਾ ਫੜ ਯਸੂ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੋ ਹਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨਿਆ ਨਾਲੇ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਕੋ ਖੁਦਾ ਫੜ ਯਸੂ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੋ ਹਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨਿਆ ਨਾਲੇ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਕੋ ਖੁਦਾ ਫੜ ਯਸੂ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੋ ਹਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨਿਆ ਨਾਲੇ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਕੋ ਖੁਦਾ ਫੜ ਯਸੂ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੋ ਹਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਨਿਆ ਨਾਲੇ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਕੋ ਖੁਦਾ ਫੜ ਯਸੂ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਜੈ ਮੁੰਡੋ ਸੀ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਆਮੀਨ ਐ ਮੇਰੇ ਨਹਿਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਭ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਆਮੀਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਭੇਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੋਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਦ ਭਰਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਆਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮੈਸ਼ ਨਾ ਪਾ ਸਕੋ ਬਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਜਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਸਲਾਮੇ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ
ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਬੇਟਾ ਰੂ ਪਾਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਜੈ ਮੁੱਢਾ ਸਿਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਆਮੀਨ ਐ ਮੇਰੇ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਭ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਭੇਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ਲ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਆਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮੈਸ਼ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਾਨਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਾਨਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਾਨਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤਾਨਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮੀਨ ਬੇਟੇ ਤੇਰੂ ਪਾਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਆਮੀਨ ਐ ਮੇਰੇ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਭ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਭੇਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ
अपनी दया अते अपनी कृपा बख्शे। मां मरियम दी आदर दे विच ए भेद पढ़दे हां। साडे बाप तू जड़ा समान ते है, तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह समान ते पूरी हिंदी जमीन पर भी होवे। साडे रोज रोटी आसन दे, साडे कसूर सानु माफ कर जिस तरह सी अपने कसूरवारां नु माफ करदे हां, सानु अजमैश विच ना पा सकबरै तो बचा, आमीन। सलामे मरियम फजल नाल भरी होई, खुदावन तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु। ए हजरत मरियम खुदा दी मां, असां गुना करी दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। सलामे मरियम फजल नाल भरी होई, खुदावन तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु। ए हजरत मरियम खुदा दी मां, असां गुना करी दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। सलामे मरियम फजल नाल भरी होई, खुदावन तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असां गुनाहगार लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। सलामे मरियम फजल नाल भरी होई, खुदावन तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असां गुनाहगार लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। सलामे मरियम फजल नाल भरी होई, खुदावन तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। सलामे मरियम फजल नाल भरी होई, खुदावन तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। सलामे मरियम फजल नाल भरी होई, खुदावन तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। सलामे मरियम फजल नाल भरी होई, खुदावन तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। सलामे मरियम फजल नाल भरी होई, खुदावन तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। सलामे मरियम फजल नाल भरी होई, खुदावन तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरे पेट दा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असां गुनाहगारां लई दुआ कर ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਆਮੀਨ। ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਮੀਨ। ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਯਿਸੂ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਸਭ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਰਾਣੀ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਲਾਮ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਖੜੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਕਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਮਾਰਗ ਫਲ ਯੇਸੂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲ। ਐ ਰਹਿਮ ਦਿਲ, ਐ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਐ ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਐ ਪਾਕ ਮਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਤਨ ਸਦਾ ਕੁਵਾਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਅਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਮੇਨ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਵਾਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਵਾਰੀ ਕੁਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਸਸਦੀਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਜ ਜਨਮ ਕੀ ਨਾ ਜਾਣੀ,
बाप अते बेटा अते रूह पाक दे नाम उते बाप अते बेटा अते रूह पाक दे नाम उते हालेलुया 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 तेरे दिल दे बूहे दे अगे आन के तेरे दिल दे बूहे दे अगे आन के वाजा मारदा यसु नासरी वाजा मारदा यसु नासरी तेरे दिल दे बूहे दे अगे आन के तेरे दिल दे बूहे दे अग आन के वाजा मारदा यसु नासरी वाजा मारदा यसु नासरी यसु नासरी यसु नासरी यसु नासरी यसु नासरी ओ तेनू वाजा मारदा यसु नासरी तेनू वाजा मारदा यसु नासरी तू सुताए फिकरा होके अंदरो दिल दा बूहा टोके तू सुताए फिकरा होके अंदरो दिल दा बूहा टोके सुता सुस्ती दी चादर तान के सुता सुस्ती दी चादर तान के वाजा मारदा यसु नासरी वाजा मारदा यसु नासरी यसु नासरी यसु नासरी यसु नासरी यसु नासरी ओ तेनू वाजा मारदा यसु नासरी ओ तेनू वाजा मारदा यसु नासरी ओ तेनू वाजा मारदा यसु नासरी सुतिया सुतिया रात निकल गई सूरज तेरे बूहे आया सुतिया सुतिया रात निकल गई सूरज तेरे बूहे आया तेनू लखा ते हजारा चो पछाण के तेनू लखा ते हजारा चो पछाण के वाजा मारदा यसु नासरी वाजा मारदा यसु नासरी तेरे दिल ते बूहे दे अगे आन के तेरे दिल ते बूहे दे अगे आन के वाजा मारदा यसु नासरी वाजा मारदा यसु नासरी अंदरो दिल दा बूहा ना खोले महरम यसु नू बलाया भी ना बोले अंदरो दिल दा बूहा ना खोले महरम यसु नू बलाया भी ना बोले कतो पुलिया तू सब कुछ जान के कतो पुलिया तू सब कुछ जान के वाजा मारदा यसु नासरी वाजा मारदा यसु नासरी तेरे दिल ते बूहे दे अगे आन के तेरे दिल ते बूहे दे अगे आन के वाजा मारदा यसु नासरी वाजा मारदा हंस निमाणे कर ले बंदगी का तो करदा तू अनगेली हंस निमाणे कर ले बंदगी का तो करदा तू अनगेली तेनू समझ आए अपना जान के
ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਏ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਪ੍ਰਭੇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੇਸ ਦੀ ਸਤੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਹੱਥ ਪਰੁਠਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹਲੇਲੂਯਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਪ੍ਰਭੇਸ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੇਸ਼ ਦੀ ਸਤੀ ਹੋਵੇ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਪ੍ਰਭੇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਭੇਸ ਦੀ ਸਤੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੇਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਵੇ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹੱਥ ਪੁੱਠਾ ਕਿਚ ਬੋਲਿਆ ਹਲੇਲੂਯਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹਲੇਲੂਯਾ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਜਿੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਸਾਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਤਨ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਵੱਲ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ
कल फादर जी इतने दस रहे सी जिन्होंने उस उत्ते ध्यान किया उन्होंने चानना पाया हालेलुया 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 ओ कदी शर्मिंदे नहीं होंगे ओ कदी हनेरे विच नहीं तुरंगे उन्हें जिंदगी के हर बंधन प्रभु यीशु आप तोड़ेगा हालेलुया हालेलुया हाथ उठाइए हालेलुया हालेलुया सारे जो पीछे खड़े आगे आ जाइए हालेलुया 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 पहले ऐसे कोशिश करने ज्यादा यीशु दे लागे अंदर वचन में लिखे जो सुक्के हाथ वाला आदमी पीछे दूर बैठा सी यीशु ने उसे लागे बुलाया पहले उसे लागे बुलाया फिर भी प्रभु यीशु ने उसे दसिया जो उसका हाथ सुक्का सी जो हाथ कम नहीं करता सी यीशु ने दसिया अपना हाथ अगे वधा जो उस इंसान ने अपना हाथ सुक्का होया हाथ यीशु वाले अगे वधाया उस हाथों से वेले ठीक हो गया हालेलुया हालेलुया हाथ उठाइए हालेलुया हालेलुया हाथ उठा के जोश से बोले हालेलुया हालेलुया हाथ नहीं हिलाते हैं हालेलुया हालेलुया तालियां बजाते हैं हालेलुया 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 जोश से ताली बजा के गीत गा के प्रभु से स्तुति कर रहे हैं हाथ उठा के ताली बजाते पैर हिलाते हैं ¡Suscríbete!
Hey!
मैं भूलिया नच 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 यीशु ले 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 यीशु जो आया रू तू सिखाया ¡Suscríbete!
ਯੇਸੂ ਸਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਯੇਸੂ ਸਾਡਾ ਨੂਰ ਏ 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 ਅੰਦਰੇ ਜੀ ਸਾਹ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰੇ ਜੀ ਸਾਹ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਏ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ सारे मिल के बोलिए हालेलुया 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 सारे पेन पे थोड़ी देर के लिए शांति ने बैठे बस दो मिनट के लिए हालेलुया 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 जो भी इसे हाले लिया बोलना की करना है जो हाले लिया बोलना तो की करना प्रावा की करना फिर चुकते नहीं है हाले लिया की करना दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं हाले लिया हाले लिया हाले लिया हाले लिया हाथ उठा के उच्ची बोलिए हाले लिया हाले लिया सारे मिलके बोलिए हाले लिया
हालेलुया। जो पीछे बैठे बोलिया हालेलुया। हालेलुया। जोश ना बोलिया हालेलुया। 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 प्यारियो साढ़े इलाके जिथे हुण यीशु मसीह पवन शेरांवाली दे लागे एक पिंड है, उस पिंड विच एक परिवार दे विच असीं विजिट दे लई गए। जदों असीं विजिट दे लई गए तां उस भैण ने दस्सिया उन्हां नूं ब्लड कैंसर सी। ब्लड कैंसर प्यारो एक महीने तो दो महीने जां एक दिन दो दिन तो नहीं सी, तकरीबन 8 साल तो उन्हां नूं ब्लड कैंसर की बीमारी सी। इस बीमारी के कारण वह परिवार काफ़ी दुखी सी, बहुत परेशानी विच सी। उस भैण ने दस्सिया, सिस्टर जी मैं बहुत इलाज करवाया, मेरी बीमारी दे लई कोई डॉक्टर नहीं छड्डिया। इत्थों तक उन्हां दी दवाई जो सी केरला विचों ऑनलाइन आउंदी सी, केरला विचों उन्हां दी दवाई आ रही सी, अते डॉक्टर ने दस्सिया शायद उन्हां नूं पूरी जिंदगी दवाई खानी पवेगी। पर एक दिन जदों साडे मुनाद भरा उन्हां दे घर विच गए, उन्होंने उन्हां नूं जाके यीशु मसीह पाउण दे बारे दस्सिया, पर वह भैन कहती मेरे घर विचों कोई भी मेरे नाल आउण दे लई तैयार नहीं सी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्होंने जवाब दे दिता सी। डॉक्टर ने दस्सिया इस ब्लड कैंसर की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पर उस भैन ने दस्सिया मेरा विश्वास हो गया जदों मैंने यीशु मसीह पाउण दे बारे दस्सिया, फादर बेसल जी के बारे दस्सिया, तो मेरे मन में एक विश्वास की किरण जग पई। तो उस भैन ने दस्सिया मैं अपने परिवार को दस्सिया मैंने किसी भी तरीके नाल तुसी यीशु मसीह पाउण विच लैके जाओ। जो यीशु मसीह पाउण विच लैके आए, साडे मानयोग फादर बेसल जी उत्थे सी, फादर जी ने उन्होंने सिर ते हाथ रख के प्रार्थना की। फादर जी ने दस्सिया तुसी इस तरह करो, 9 ऐतवार लगातार यीशु मसीह पाउण विच ऐतवार की प्रार्थना विच आ जाओ। ऐतवार की प्रार्थना विच 9 ऐतवार लाउण दे लई दस्सिया, पर उस भैन ने दस्सिया मैं 9 ऐतवार तो पहला ही खुदा ने मेरी जिंदगी विच महान चमत्कार कर दिता। उन्होंने दस्सिया मैं 9 ऐतवार नहीं, मैं सिर्फ 3 ऐतवार लगातार आ गई। 3 ऐतवार लगातार यीशु मसीह पाउण विच आई। जदों 3 ऐतवार आई, तीसरे ऐतवार मेरी जिंदगी विच सुधार आना शुरू हो गया, मेरी बीमारी कटनी शुरू हो गई, मेरे शरीर विच जो प्रॉब्लम सी, जो दर्द सी, जो परेशानी सी, वह मैनूं हौली हौली राहत मिलनी शुरू हो गई। अते उस भैन ने दस्सिया मेरे कोल जो मेडिसिन सी, दवाई सी, मैं दवाई हौली हौली छड्डनी शुरू कर दी। तकरीबन उन्होंने दस्सिया 3 हफ्ते मैं दवाई खानी बंद कर दी। हालेलुया। 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 उस तो बाद लगातार उन्होंने 9 हफ्ते पूरे किए, दोबारा उन्होंने जिंदगी में छोटी जी परेशानी आ गई। परेशानी यह सी कि उन्होंने पेट में एक रसौली सी, रसौली का ऑपरेशन होना सी। ऑपरेशन दे लई डॉक्टर दे कोल जदों गई, डॉक्टर ने दस्सिया जदों उन्होंने देखा उन्होंने पहला ब्लड कैंसर सी, उन्होंने दस्सिया तुहाडा ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी तुहानू पहले ब्लड कैंसर सी, ब्लड कैंसर वाले का ऑपरेशन असीं नहीं कर सकते। उस भैन ने दस्सिया मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैनू हुण ब्लड कैंसर नहीं है, पर डॉक्टर ने दस्सिया तुहाडे कोल की सबूत है, सानू सबूत दो, तुहानू हुण कोई ब्लड कैंसर की बीमारी नहीं। पर उस भैन ने दस्सिया, मैं उन्होंने बार बार की दस्सिया मैनू हुण ब्लड कैंसर नहीं है, मैं ब्लड कैंसर तो ठीक हो चुकी हूँ, पर फिर भी डॉक्टर विश्वास नहीं कर रहे थे। उस भैन ने दस्सिया मैं प्रभु यीशु दे अगे प्रार्थना की, प्रभु यीशु तुसी मैनू ठीक किया है, तुसी मैनू ब्लड कैंसर की बीमारी तो चंगियाई दिती है, मैं ऐतवार तुहाडे चरणों में आना, मैं इतराफ करना, इतराफ करके मैं तुहानू स्वीकार करके दोबारा मैं टेस्ट दे लई जाना है। हालेलुया। 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 प्यारे उस भैन ने ऐतवार की बंदगी विच आ गई, ऐतवार की पाक मास तो पहले उस भैन ने इतराफ किया, इतराफ तो बाद पाक शक्त लेके सोमवार दोबारा डॉक्टर दे कोल गई। डॉक्टर दे कोल जदों गई, डॉक्टर ने एक टेस्ट किया नॉर्मल है, दूसरा किया, तीसरा किया, 12 टेस्ट किए, सारे नॉर्मल आए। हालेलुया। 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 प्यारे 12 टेस्ट किए, सारी रिपोर्टा नॉर्मल आईया, तो एकदम डॉक्टर ने दस्सिया ये किन्ना वड्डा चमत्कार हो गया, अज तक असी नहीं सुनिया कोई ब्लड कैंसर वाला इंसान ठीक हो गया होगा। हालेलुया। 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 प्यारे उस भैन ने दस्सिया मैं डॉक्टर दे डॉक्टर
ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹਕੀਮ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਿਆਰਿਓ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦੀ 14 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਯਿਸੂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ 11 ਬਾਬ ਦੀ 28 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਯਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਥੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕੱਲ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸੀ 9 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੰਨਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੰਨਾ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਅੰਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਅੰਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਲੇਪ ਬਣਾਇਆ ਲੇਵੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਵੀ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਲੋਮ ਦੇ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਚੰਗੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ
गुरदासपुर विच इक भैन हैगी गवाही देण दे लई। उन्होंने गवाही की दिती, उन्होंने अखां दा मास वध जांदा सी, अखां दे विच अंदर जो मास है वह वधदा सी। मास वधण दे कारण अखां विच रोशनी नहीं सी, पर उस भैन ने दस्या जदों साडे मानयोग फादर बेसल जी ने वचन सुनाउंदे होए संदेश दिता किसी दी अखां विच रोशनी नहीं है, किसी दी अखां विच मास वधदा है, प्रभु यीशु ठीक करे। उस भैन ने दस्या उस वक्त मेरी अखां च जो मास वधदा सी ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਲੇਲੂਯਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਲੇਲੂਯਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਝ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਲੇਲੂਯਾ। ਆਓ ਸੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਪੈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਲੇਲੂਯਾ। ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਲੇਲੂਯਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾਈਏ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਤਿ ਕਰੀਏ। ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਲੇਲੂਯਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ, ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਲੇਲੂਯਾ, ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਹਲੇਲੂਯਾ 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 अपने रोग तो हार गई हाँ, अपने रोग तो हार गई मैं हार गई हाँ, अपने रोग तो हार गई। ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤਿ ਕਰਨੀ ਹੈ। थक गई मैं हार गई हाँ, अपने रोग तो हार गई हाँ, थक गई मैं हार गई अपने रोग तो थक गई मैं हार गई हाँ, अपने रोग तो हार गई गई मैं हार गई हाँ, अपने रोग तो ਰੱਬਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ
ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਛੂਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯੇਸ਼ੂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਰ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਯੇਸ਼ੂ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਯੇਸ਼ੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਰ ਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਿਆ, ਵੈਦਣ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਵੈਦਣ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਵੈਦਣ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਨਾ ਪੜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਿਆ, ਵੈਦਣ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਵੈਦਣ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਵੈਦਣ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਨਾ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਚ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਚ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਸ਼ਿਫਾ ਚ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਪੱਲਾ, 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 ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਰੱਬਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਰੱਬਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਸਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਯੇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਯੇਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਯੇਸ਼ੂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਸਤਿ ਕਰੀਏ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ਾਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਣੇ ਯੇਸੂ, ਮੁਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦਮਣੇ ਯੇਸੂ, ਮੁਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦਮਣੇ ਯੇਸੂ, ਮੁਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦਮਣੇ ਯੇਸੂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਣੇ ਯੇਸੂ, ਮੁਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦਮਣੇ ਯੇਸੂ, ਮੁਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦਮਣੇ ਯੇਸੂ, ਮੁਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦਮਣੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਈ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੀ, 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 ਯੇਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਯੇਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਪੱਲਾ, 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 ਯੇਸੂ ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਯੇਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਰੱਬਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਯੇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲਾ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯੇਸ਼ੂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਯੇਸ਼ੂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਸ਼ਾਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਸਤਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸੂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ,
आज मैं तुहानू देखना चाहता हां आज मैं तो देखना चाहती हां जमाना मेनू सजदा करांगा मैं यीशु तेनू सजदा करांगा मैं यीशु तेनू सजदा करांगा मैं यीशु जीसस देखेगा जमाना मेनू सजदा करांगा मैं यीशु तेनू सजदा करांगा मैं यीशु तेनू वटे रोग तो मैं आज छुट्टी जावांगी यीशु जी प्यारियों जिस तरह हम असि जानते पाक हफ्ता है प्रभु यीशु दे कल और परसों कल का दिन है परसों असि प्रभु यीशु दे दुख भोग विच हिस्सा लैन वास्ते तैयारी कर रहे हैं सो इसलिए जो भैन भरा कैथलिक चर्च विचों जाते जिन्हें कल इतराफ नहीं किया वो सारे भैन भरा वारी वारी जाके इतराफ कर सकते हैं हुणे फादर लोग पिछे इतराफ के लिए दोनों साइड पर बैठेंगे सो तुसीं देखना जो फादर जी बैठेंगे जिन्होंने इतराफ करना है वारी वारी जाके इतराफ करना क्योंकि खुदा साडे कोलों यही चाहता है जो असीं यीशु नूं ग्रहण करते अपने पाक दिल दे विच ग्रहण करना है नहीं तो यीशु नूं जो असीं अपने पाप भरे दिल विच ग्रहण करते हाँ तो यीशु नूं बहुत तकलीफ सहनी पैंदी है यीशु साडे दिल विच रहना चाहते पर साडी जिंदगी विच जो पाप है पाप की हालत विच यीशु साडे दिल विच नहीं रह सकते इसलिए जो भी भैन भरा इतराफ करना है तो हुण तुहानूं मौका है अज भी है कल भी इतराफ करने का मौका मिलेगा पर अज जिन्हें भी भैन भरा इतराफ कर सकते पूरे विश्वास के नाल सच्चे दिल के नाल अपना हर एक गलती गुनाह याद करके चंगी तरह इतराफ करो तो यही सोचना मेरा ही लास्ट आखिरी इतराफ है मेरी जिंदगी का लास्ट इतराफ है सोच के सारे पाप चंगी तरह याद करके तो फादर जी ने दसना फादर उस वक्त जो इतराफ सुनने के लिए फादर जी बैठेंगे वो फादर जी नहीं है फादर जी के विच यीशु साडा इतराफ सुन दे यीशु साडे पाप माफ़ कर दे सो सारे ये नहीं सोचना फादर जी की सोचेंगे सारे चंगी तरह दिल खोल के चंगी तरह पूरे मन की गहराई तो इतराफ करना अति यीशु को माफ़ी मांग के असी यीशु दे दुख भोग विच इस पाक हफ्ते दे विच यीशु दी मौत अते जी उठन असी याद करते रहना है हालेलुया 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 जो पैन पर इतराफ करते हौली हौली देखना है जो फादर जी पिछे बैठेंगे तुम इतराफ के लिए जाना शुरू करो दो तीन जने इधर भी खड़े हो जाओ दो तीन जने इधर भी खड़े हो जाओ पाक शक लैन वाले बाकी असं सारे मिलके पूरे जोश के नाल तालियां बजाते हुए गीत गा के प्रभु की स्तुति की आराधना करेंगे सारे जोश के नाल ताली बजा के गीत गा के प्रभु की स्तुति की आराधना करें हालेलुया 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 तेरा ऐ रूह पाक तेरा ऐ रूह पाक तेरा
ਆਸਮਾਨੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇ ਆਸਮਾਨੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਦੇ ਆਸਮਾਨੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇ ਆਸਮਾਨੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਰਜ਼ਾ इतना चल रहे पाक हफ्ते हैं जिन्होंने पाव सिहार नहीं किया है इतराव कर सकता है ना ये कल ध्यान ना सुना बाहर ना जाओ खुदा का वचन भी है इधर उधर नहीं तुरना ईमानदारी नाल ये अज का वचन ही है जो असी ईमानदारी नाल रहे हाँ
परमेश्वर ने सानू चुना माई हवा तो बाबा आदम नू परमेश्वर ने क्यों इंसान नू बनाया क्यों बनाया पता है क्यों बनाया सारी दुनिया बनाने के बाद उत्पत्ति ग्रंथ विच असीं पढ़ते हैं कि खुदा ने आके ये मैनू चंगा लगता है की लगता है चंगा लगता है कई माँ बाप भी कहते नो फादर जी तीन मंजिल कोठी वाया है मैनू भी गाड़ी है मेरी घरवाली नू गाड़ी है पर मेरे को बच्चा नहीं है मैं की दे ले सब कुछ बनाया है हालेलुया हालेलुया ये देखने के लिए मेनू कोई नहीं है बस यही गलत वजन कहते खुदा ने किया क्या मेनू चंगा लगता है की लगता है चंगा लगता इसलिए परमेश्वर ने की किया जो खुदा नू चंगा लगता है वो देखने के लिए खुदा ने की किया है माई हवा तो बाबा आदम नू बनाया सुन लिया क्यों बनाया परमेश्वर का कम देख के इंसान बोलना ये मेनू चंगा लगता है हूँ सानू कोई चीज चंगा नहीं लगता है मेरा पति मैनू चंगा नहीं लगता है मेरी घरवाली चंगा नहीं लगता है मेरा बच्चा मैनू चंगा नहीं लगता है कोई चीज चंगा नहीं लगता है देखिया नहीं पर परमेश्वर ने ये नहीं बनाया खुदा ने इसलिए बनाया ये मैनू चंगा लगता है हालेलुया हालेलुया आज का दिन मैनू चंगा लगता है इसलिए खुदा ने की किया है माई हवत बाबा आदम नू ध्यान वचन सुनो एदम बाग विच कलिया हालेलुया हालेलुया फिर की आज्ञा आज्ञा की है फिर बोलो सारे आज्ञा है सारे दरख्त दा फल खाओ पर एक दा नहीं खाओ इहदा मतलब की है सब पेड़ा समझ लो उन्हां विचों सारिआं दा खाओ एक दा नहीं खाणा नड़वे दा फल खा सकदे एक दा असीं की करदा है नड़वे नूं छोड़ के जिहड़ा मना कीते होया चीज़ दा फल खाया इहनूं कहिंदे ईमानदार नहीं है सुन लिया हफ्ते विच कितने दिन है हफ्ते विच छे दिन सत्त दिन है कितना है सत्त दिन इसलिए प्रभु ने आख्या छे दिन कम करो पर संडे खुदा दा दिन कितने भी नहीं जाना पर असीं की करते हैं छे दिन वेले रही के एतवार नूं असीं घूमना फिरने के लिए जा रहे कितने बरकत मिलना माई हवा अते आत्मा का पापी है ईमानदार नहीं है वचन कहिंदा इसलिए खुदा ने एदम बाग तो यानी खुशी वाली जगह विचो माई हवा ते बाबा आदम नू कट दिते इसे तरह साड़ी भी खुशी खत्म हो गई कहिंदे फार जी मैं बड़ी दुखी है दुखी रहेगा ईमानदार नहीं अजकल हसबेंड ईमानदार नहीं अपनी घरवाली दे नाल घरवाली ईमानदार नहीं है हसबेंड दे नाल बच्चा माता पिता दे नाल ईमानदार नहीं है ईमानदारी नहीं है वचन कहिंदा है वचन एक गल मैं तुहानू अज दसना जिते परमेश्वर सानू पहुंचाउणा सी उते असी नहीं पहुंचिया क्यों नहीं पहुंचिया साड़ी अपनी गलती है खुदा ने मैनू पहुंचाउणा सी परमेश्वर ने पर मैं नहीं पहुंचिया मेरी अपनी गलती है हालेलुया हालेलुया माई हवा तो बाबा आत्म नू देखो पूरी जिंदगी उसी विच रहने के लिए प्रभु ने वरदान दिता उन्हां दी अपनी गलती दा करके उत्ते तक नहीं पहुंचिया हालेलुया हालेलुया सारे ही सुनना खुदा ने तुहानू पहुंचाना है हुण भी मौका वचन कहिंदा है वचन कहिंदा है आगे पाप ना करो आगे हर हफ्ते मैं कहिंदा पाप सिहार करना है हर हफ्ते पाप सिहार करना है अते हर संडे मैं कहिंदा है रोजा रख के चर्च आना उहदा कोई कारण है यीशु ने की आख्या तू रोजा रख के प्रार्थना करो तां तेरे विचों इस तरह की शैतान की शक्ति निकल जाएगी हालेलुया हालेलुया असी रोटी बना के पेट भर के खा के हौली हौली जदों संडे चर्च आ गया मिसा खत्म हो गया फिर की फायदा है फिर बोलेगा फादर जी ने जल्दी खत्म किया गलती की उत्ते सुटिया फादर जी दे उत्ते बस यही है अपनी गलती इंसान नहीं मन दिया ईमानदार नहीं है हालेलुया हालेलुया हाँ तुड़ाइए हालेलुया हालेलुया तो ईमानदारी नाल प्रभु दा वचन है साढ़े शरीर परमेश्वर का मंदिर है शरीर पवित्र रखो मैं गल भी दसिया अज तो लेके थोड़े शरीर प्रार्थना दे कर आखना चाहिए हाँ तुड़ाइए हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी स्तुति होवे यीशु तेरी स्तुति होवे मैं देख रहे इतने कईयां नूं प्रभु यीशु छू रहे कई भैणां भरावां नूं परमेश्वर की आत्मा कम कर रहे शरीर विच जड़ते खास करके जड़ा कि इत्थे इत्थे देखिया
जी चश्मा वाली पीला जी सूट पाए टेबल द लगे कड़ी है। थोड़ा जा अगे आ जाओ भैन जी जो हालेलुया हालेलुया आप जरा जी हालेलुया हालेलुया अगे आ जाओ हालेलुया हालेलुया। मैं देख रहा आत्मा घूमना शुरू हो गया। प्रभु यीशु चूर है, कई तरह की बीमारी परेशानी यीशु दूर करे, खुदा सानू अपनी आत्मा नाल भरपूर कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। तुहानू प्रभु यीशु शांति दे रहे, तुहाडे शरीर दा सारे दर्द प्रभु यीशु दूर करे, तुहाडियां कमजोरियां परमेश्वर दूर करे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करो अज खुदा ने तुहानू छूरे, खुदा तुहानू आशीष दे रहे, तुहाडियां कमजोरियां थोड़ी जो भी शरीर में तकलीफ है प्रभु यीशु दूर करे। इस भेड़ नू प्रभु की आत्मा इधर थे, उधर भी मैं देखा उत्थे कितने प्रभु की आत्मा घूम रहा सी, लोगों ने छू रहा सी, कई आंदे शरीर विच जगम। दुआ करो प्रभु यीशु चुकारे। हालेलुया हालेलुया। ए पैन दसियन इन्हों फादर जी दे लागे प्रभु यीशु खड़े हुए दिखाई दे रहे, इसलिए इन्हों दे मन विच बहुत ज्यादा खुशी आ रही, इसलिए प्रभु यीशु दा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया के यीशु दुड़ी आई करिए। हालेलुया हालेलुया। आत्मा कम कर रहे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करो तुसी आज तुहाडे आले दुआले परमेश्वर दी आत्मा कम करने के लिए जा रहे, सारे हाथ उड़ाइए। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी बड़ाई होवे, यीशु तेरी बड़ाई होवे। हाथ उड़ा के हालेलुया हालेलुया। हे दाऊद का पुत्र यीशु, हे दाऊद का पुत्र यीशु, आज मेरे ऊपर दया कर, आज मेरे ऊपर दया कर। हालेलुया हालेलुया। सारी शांति नाल बैठिए, खुदा दी महिमा करो, खुदा दी बड़ाई करो। यीशु ने सानू छूरे, यीशु तुहानू हर तरह की परेशानी तो छुटकारा दे रहे। हालेलुया हालेलुया। हाथ उड़ाइए हालेलुया हालेलुया। सारी शांति नाल बैठो, जो खड़े उन्हें बिठाओ। प्रार्थना करो परमेश्वर साडे विच आज काम करना है। नाल एक गल ध्यान सुनना, आज दुखी वापस ना जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। कल एक गवाही आया सी, गवाही यही है। कल इतने कन्वेंशन चल रहा सी, कन्वेंशन चल रहा सी, और एक पेड़ नो ऑपरेशन करने के लिए अंदर ले गया है। बच्चा होने वाला सी, जो बड़ा ऑपरेशन नाल बच्चा होने वाला सी। कल दा उस परिवार ने आ किया, असी लाइव सुन दे बाद जो अंदर ले जाओ। लाइव सुन दा समा बच्चे दा नॉर्मल डिलीवरी हो गया। थाली जाके ये कल दी गल था, मैं तुहानू दसिया। देखो कल डॉक्टर ने दसिया थोड़ा डिलीवरी नॉर्मल नहीं होना, वह भी बड़ा ऑपरेशन नाल होना है। बड़ा ये पत्तेगढ़ चुड़िया के कितने हैं, सो बड़ा ऑपरेशन नाल होना है। पर उन्होंने विश्वास से उदी माँ ने दसिया अज लाइव कदम होने तो फिर अंदर ले जाओ। लाइव का समा दर्द शुरू हो गया, एकदम बच्चा नॉर्मल हो गया, इन्नी सोहना मुंडा हो गया, परमेश्वर ने ब्लस किया। प्रार्थना करना, असी लाइव नहीं सुन रहे इस समा, असी खुदा दी हजूर विच बैठ के प्रभु दा वजन बड़ा ध्यान नाल सुन रहे। हालेलुया हालेलुया। अज दा वजन ही है जिते परमेश्वर सानू पहुंचाना सी, असी क्यों नहीं पहुंचिया। इसलिए जिते खुदा तुहानू तुहाडा परिवार नू बच्चे नू पहुंचाना है, उत्ते तक पहुंचने के लिए असी ईमानदारी नाल देना। उत्पत्ति ग्रंथ उदी 19 बाद दी 15 ए तो असी प्रभु दा वचन पढ़ने के लिए जा रहे। हालेलुया हालेलुया। बाइबल उड़ाओ, जिन्हां दे हाथ विच बाइबल है, देखंदा कितने लोगां ने बाइबल लेके आया। वेरी गुड। भरावां दे कोल बाइबल नहीं है, सारे भरावां दे कोल मोबाइल फोन होवेगा। कहिंदा फादर जी बाइबल मांगा पर 10-15 हज़ार दा मोबाइल साडे कोल पड़ा है। ठीक है नहीं बच्चो, रोज वचन पढ़ो। वचन यीशु है, योगनान दी अंजील उदी पहले वादी पंगले ए तो असी पढ़ते हाँ। शुरू तो शब्द सी, शब्द खुदा दे नाल सी, अते परमेश्वर ने हर चीज शब्द द्वारा बनाया। हालेलुया हालेलुया। देखो वजन वजन देहाधारी होके इस धरती ते आ गया। कौन है? प्रभु यीशु है। जदों तुसी वजन लेके तुरदा है, मैं कहता तुसी यीशु नु लेके तुर रहे। हालेलुया हालेलुया। वजन पढ़ो। फिर जदों अजे सवेर होण वाली सी, स्वर्ग दूता ने लूत नु कहा। स्वर्ग दूत लूत नु आ गया, मैं तुहानू उठाउणा चाहुंदे आज। लूत नु नहीं, तुहानू सारिआं नु परमेश्वर कहिंदा है,
बिजो आज मैं तुहानू उठाउणा है, तुहाडे परिवार नू मैं उठाउणा है, तुहाडे बच्चे नू मैं उठाउणा, हरेक नू मैं जो देना नौकरी देना घर विच शांति देना। वचन कहिंदा है स्वर्गदूत लूथ नू जाके दसिया है की दसिया, अगे वचन पढ़ो किया किया उठ अते अपनी पत्नी। हाँ देखिया नहीं उठाने के लिए की करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। इदा मतलब की है सोच लो, इदा मतलब की है बच्चो उठना जरूरी है। कितों उठना है? गिंदी आदता मिचो परमेश्वर तुहानू उठाउणा है, पर उठाउण तों पहला कोई एक तरीका हुंदा है। गिंदी आदता मिचो उठना पड़ेगा, इदा मतलब की है। वचन में लिखिया लूथ नू दूध जाके दसिया तू अपने बच्चे सारिया नू उठाओ, कितों शराब तो उठाउणा पड़ेगा। इदा मतलब शराब छोड़ना जरूरी है, छड़ के आगे आना ये कहता है। नशा छोड़ना, नशे तो उठना है, सुस्ती तो उठना है। देखो गलत पिक्चर देखना, गलत टीवी देखना, उठना पड़ेगा। वचन कहता है था तुसी किते पहुंचना, खुदा दी योजना दे मुताबिक परमेश्वर तुहानू उठाएगा। हल्लेलुया हल्लेलुया। एक बहन आ गए मेनू दसिया बार जी मेनू कैंसर है। मैं कहते कोई गल नहीं, खुदा दे लिए सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर तुहाडी कैंसर दी बीमारी नू दूर करना। हल्लेलुया हल्लेलुया। पर तू उठना पड़े, कितों उठना है? हर समय लड़दी रहिंदी अपने पति दे नाल। जदों मैं प्रार्थना कर रहा इहदे पति बड़ी दुखी है, इलाज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे, इहदी पति बड़ी दुखी है। मैं उस भेण नू दसिया भेण जी तुहानू परमेश्वर इस गुस्सा करन दी आदत विचों उठाएगा, थान तुहाडी बीमारी दूर होना। हल्लेलुया हल्लेलुया। दवाई खा रहे, दवाई नहीं लग रहे, क्यों नहीं लग रहे? आत्मा कम नहीं करते बच्चों। हल्लेलुया हल्लेलुया। भाई कहते ना फारजी मैं रोटी खांदा है पर पचदा नहीं है, सीत नहीं बनदा, बनना नहीं, आत्मा कम नहीं करता है। हल्लेलुया हल्लेलुया। आत्मा कम करना जरूरी है। जिस तरह वचन कितने लग गया जेल दे करते उदी नववादी सत्तारे ये तो उस पर दिया अननिया सावोल दे सिर ते हाथ रखिया। कितने लिखिया? लिख के रख लो, घर जाके तुसी पढ़ना है। जो चैलेंज करते हो उदी नौ बादी सत्तारा ये तो असी पढ़ते हैं। परमेश्वर ने किया क्या? अननियास नु दसिया तू उड़ अते सावोल दे सिर ते हाथ रखना, तुहाडे कम है उदे सिर ते हाथ रखो, बाकी कम मैं करना है। हल्लेलुया हल्लेलुया। थोड़े कम की है आज सत्संग विच आके बैठना, इस ग्राउंड विच आके बैठना थोड़े कम है। पर अगे वचन कहता है इत्थे बैठना कल्ले नहीं है, कुछ छोड़ना भी जरूरत है। हल्लेलुया हल्लेलुया। बच्चो अपा बैठ के चल जाता है फिर दारू पीना शुरू कर दे, फिर नशा करना शुरू कर दे, छोड़ना पड़ेगा। वचन कहता है कि जो प्रभु ने किया किया अननियास नु दसिया तू सावोल दे सिर ते हाथ रखे प्रार्थना करो। अननियास सावोल दे कोल पहुंचिया, अननियास ने देखिया सावोल तीन दिन हो गया कुछ खाया नहीं पींदा नहीं, कोई चीज अमल नहीं देखता सी, उदी अख बंद सी, उदा निगाह खत्म हो गया सी। सो अननियास सावोल दे सिर ते हाथ रखिया, वचन की कहते पवित्र आत्मा की शक्ति कि आ गई सावोल दे हथे आ गई। हालेलुया हालेलुया। बैठे बैठे प्रार्थना करो। जो सावुल दूते पवित्र आत्मा दी शक्ति अगे वजन की कहता है उदी अखा मिचों छिलका जगह चीज थले डिगिया, चीज कले नहीं नाल उदी आदत बदल गई, वो परमेश्वर दे लई सेवादार बन चुका है। हालेलुया हालेलुया। तुसी भी आज प्रार्थना करो हे प्रभु यीशु अपनी आत्मा दी शक्ति कल दो तांजो अक्का मिचों छिलका नहीं, मेरी पूरी आदतां थले डिगना है, मेरे नशा करन दी आदत थले डिगना, शराब पीण दी आदत थले डिगना, तां जो मैं एक नवा इंसान बनना है। हल्लेलुया हल्लेलुया। अगे वचन की कहता है परमेश्वर ने किया क्या? लूथ नू आ गया तू अपने बच्चे नू घरवाली नू ले लो उठाओ, फिर की आ गया तुसी जाओ बाहर जाओ, रुकना नहीं किते भी, दा मतलब पता की आगे से शराबी दे लगे भी नहीं खड़े रहना, तू जाओ इतो शराब ठेके दे लगे भी नहीं खड़े रहना,
कोई नशा करन वाले अंदर नाल नहीं बैठना। वजन कहता तू आगे जाओ, बैठना नहीं इत्थे किते नहीं तुरना। एक और गल आ गया, पता की आ गया, मैं तेनू उठाना है, उठाने के लिए जा रहे पर पीछे नू मोड़ के नहीं देखना। हालेलुया हालेलुया। की नहीं देखना है बोलो, पीछे नू। इदा मतलब की है, सोच लो इदा मतलब यही है। जो इंसान शराब पींदा सी हफ्ते चढ़ के फिर पीना शुरू हो गया, पीछे देख गया। जो जनानी पति पत्नी नहीं लड़ता सी, कन्वेंशन खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गया, हफ्ते तो फिर शैतान आ गया, लड़ना शुरू हो गया, मतलब की है पीछे आ गया। हालेलुया हालेलुया। मुंडा जो गलत सोसाइटी विच तुरना बंद किया, हफ्ते तो बाद फिर तुरना शुरू हो गया, पीछे नू आ गया। नशा चढ़ दिता, फिर नशा गाना शुरू हो, पीछे नू आ गया। वजन ही है वो पीछे देखिया, मतलब पुरानी आदत नू अपनाया, पुरानी चीज अमल देखिया। इसलिए परमेश्वर ने आज भी तुहानू हुक्म दे रहे, मैं तुहानू उठावना प्रावो भेणो, तुहानू मैं उठावना, पर आगे तुम पीछे मुड़ के, बोलो सारे पीछे मुड़ के नहीं देखना। सुन लिया, खुदा दे नाल आज वायदा करना, मैं आगे पीछे मुड़ के नहीं देखना। आगे तो मैं कातली चर्च दे नाल जुड़े रहना, पाक साक्रमेंट दे नाल मैं जुड़े रहना। हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाइए हालेलुया हालेलुया। प्रभु दे नाल वजन कहते हो पीछे मुड़ के देखिया, की बन गया सी। वजन की कहता है उदी करवाली ने पीछे मुड़ के देखिया, वो की बन गया, लून दा इनू कहते वेखार अवरत बन गया। देखिया नी, लून दा खंबा बन गया। तुसी भी याद रखना, आगे पीछे नू मोड़ के देखेगा, जिते परमेश्वर तुहानू पहुंचाना है उत्ते तुसी नहीं पहुंचा, फिर रोण दा कोई लोड नहीं। बचियो, लोन दा लोड नहीं, रोण दा लोड नहीं। इसलिए प्रार्थना करो, हे यीशु मैनु तेरे वल देख के तुरंत आ। यीशु ने आख्या योहन्ना दी अंजील विच असी की पढ़ते हैं, जो मेरे पीछे तुरेगा अंधेरे विच नहीं तुरेगा। हालेलुया हालेलुया। इदा मतलब की है यीशु नो देख के तुरना, यीशु आ गए मैं पीछे मोड़ के नहीं देखना, पीछे मोड़ के देखेगा फिर दोबारा दुष्ट आत्मा साडे विच काम करना, पीछे मोड़ के देखेगा फिर साडे विच परेशानी आना, पीछे मोड़ के देखेगा फिर असि गंदी आदत विच फिर पर जांदे। हालेलुया हालेलुया। उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। पूजदा ग्रंथ उदी 17:8 ए तो असि प्रभु दा वचन पढ़ रहे। आज प्रार्थना करो, लोग कहते पाल जी मैनू मिलो, मैं एक गल तुहानू दसना, आज सवेरे तो मैं कमरे तो बाहर नहीं आया, मैं सवेरे तो शाम 3 बजे तक अपने कमरे विच बैठ के तुहाडे लिए प्रार्थना कर रहा सी। उस प्रार्थना दी असर दे करके पता की मैं कदी कदी सवेर तो शाम तक लोगों नू मिलता है, फिर स्टेज ते आएगा तुसी नहीं बैठेगा, नहीं बैठ सकता है। मैनू पता है आत्मा तुहाडे विच कम नहीं करना, जेकर मैं पूरा दिन बैठ के प्रार्थना करेगा, जेकर मैं बैठ के मिलना है बाहर जा 10-15 जन नू मिल सकता है। बस बरकत कितने लोगों नू मिलिया, 10-15 लोगों नू मिल गया। हुण कितने हजारां दी गिनती विच आए हुए लोगों नू बराबर बरकत मिल रहे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मिलने के लिए नहीं आना, प्रार्थना के लिए आना, प्रार्थना के लगन विच बैठना। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा सी, खुदा ने मैंने दिखाया 2 टांगी लिखाया, टांगी पानी वाला टांगी, एक पार टांगी खाली हो गया, दूसरा टांगी खोल दिता ओदा पानी आ गया। मैंने प्रभु ने आख्या एक टांगी तू है मैं हाँ फादर बेसिल, दूसरा टांगी सिस्टर है। इदा मतलब यही है, सो सिस्टर जी काउंसिल ते बैठेगा, लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, सो सिस्टर जी की शक्ति सवेर तक शाम तक तुहाडे विच मिलेगी, नाल शामा नू दूसरी टांगी खुल गया ओ मैं हाँ। हालेलुया हालेलुया। सो इसलिए मैं नहीं मिलता और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पूरा दिन प्रार्थना करेगा था मैं 2 घंटा थोड़े आगे वजन सुना सकता है। शायद मैं वजन, मैनू लगता है मैं 10 तो ज्यादा मैं पूरा पढ़ा, क्योंकि मैं अखबार कभी नहीं पढ़ता है, मैं टीवी ही नहीं देखता, खुदा ने मैनू मना किया है, पर मैं सिर्फ बाइबल पढ़ते रहता, पर पूरा वजन मेरा दिमाग उच्च
पर मैं वचन तुहानू दसना शुरू करेगा, तुहाड़ा मन नहीं लगना बैठने के लिए जिन्नी चेर प्रार्थना ना करें। हालेलुया हालेलुया। कई मां बाप नु मैं कहंदे बच्चे नु समझाउन दो बगला, ध्यान ना सुनो, माता पिता रोज आ के प्रार्थना करके बच्चे नु समझाओ, बरकत आएगी। उत्ते बच्चा मां बाप की गल सुनेगा। वचन पढ़ो कुछ दे ग्रंथ उदी 17 बाद दी 8 तो अस प्रभु दा वचन पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। वचन पढ़ो, इस दे पिछो अमालेकी लोका आके रफीदीम दी थां ते इसराइलिया नाल लड़ाई कीती। हालेलुया हालेलुया। देखो परमेश्वर उठा रहे, कीनू उठा रहे, इसराइल लोहा नू उठा रहे, परमेश्वर उठा रहे, पर खुदा दे नाल तुरना भी जरूरी है, साथ देना है। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है जो मूसा नबी इसराइल लोहा नू लेके आ रहा सी, जो हमला की लोग इसराइल दे उत्ते की किता है, हमला किता, लड़ना शुरू हो गया। जो लड़ना शुरू हो गया परमेश्वर ने किया क्या, कोई गल नहीं, मैं तुहानू बचाउणा है, इसलिए खुदा ने किया क्या, इसराइल लोहा नू बचाउण वास्ते परमेश्वर ने मूसा नू आख्या तू पहाड़ ते जाओ अते दोवे हाथ मिला के लाठी भी हाथ विच रखना। वचन कहता है नवादी विच लाठी है, रोसरी माला हाथ मिला के, इसलिए रोसरी माला अपने परिवार के लिए पढ़ना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है जो मूसा नबी हाथ मिला के प्रार्थना कर रहा सी, इसराइल लोग अमला की लोहा दे उत्ते जित पाया। इहदा मतलब पता की, जो माता पिता ध्यान ना सुनो हाथ मिला के अपने बच्चे दे लिए प्रार्थना करेगा, बच्चा शैतान दी शक्ति दे उत्ते जित पाएगा। हालेलुया हालेलुया। उन माता पिता प्रार्थना नहीं, इसलिए शैतान बच्चे दे उत्ते जित पा रहे। बाइबल कहता है जो मूसा थक गया, उदे हाथ नीचे आ गया, थले आ गया, था अमला की जितना शुरू हो गया, इसलिए हारून ने की किया, पत्थर रखे, एक किते रखे, किते दोवें साइड ते पत्थर रखे। मूसा नबी ने दसिया ये दोवें हाथ दोवें साइड ते रख लो। अते मूसा नबी वचन की कहते हैं, सिस्टर जी वचन की कहते हैं, मूसा नबी सूरज डूबन तक हाथ मिला के प्रार्थना करने करके की हो गया, इसराइल अमला की उत्ते जित पाया। इहदा मतलब पता कि जिते परमेश्वर इसराइल लोहा नू पहुंचाना सी उते मूसा त्याग तपस्या करना सी। हुण ध्यान नाल सुनो, जिते तुहाडे बच्चे नू खुदा ने जिते पहुंचाना है उते पहुंचाने के लिए माता पिता दोवे हाथ मिला के बच्चे दे लिए त्याग तपस्या करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। उदी जगह च मामा की करते हैं, आपस विच लड़ाई करते रहिंदा, शराब पीते रहिंदे, कित्ते बच्चे उठना है। वचन कहिंदा है, मैंने कहिंदा, वचन कहिंदा है, इसलिए आज प्रार्थना करो, आज खुदा ने तुहानू उठाना ही है। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। योशुआ दा ग्रंथ उदी 3 बाद दी पगले तो अस पढ़दे हां, योशुआ दा ग्रंथ उदी 3 बाद दी पगले तो अस पढ़दे हां, प्रार्थना दे लगन विच रहेगा। देखो परमेश्वर ने योशुआ द्वारा परमेश्वर ने दस दिता है, आज मैं तुहानु सारिया नु बचाउणा। वचन पढ़ो हालेलुया 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 हालेलुया। उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। हालेलुया हालेलुया। वचन पढ़ो, अगली सवेर यहोशुआ, थोड़ा ध्यान नाल सुनो, अगले सवेरे यहोशुआ अते सब इसराइली लोग तड़के उठे अते पगली गल। देखो जिंदगी विच कामयाब होने के लिए, जिंदगी विच कामयाब के लिए की करना पड़ेगा, रोज तड़के उठना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। कई पैना भरा 8 बजे उठते, वो कभी बचना नहीं, वो कितने भी नहीं पहुंचना। मैं रोज मैं तुहानू दसना, कल भी जिते भी मैं जाना 3 बजे उठ के मैं कि सलीब दा राव, रोज अज दी गल नहीं, मैं काफी चिर से कर रहा है, वैसे मैनू ज्यादा नींद भी नहीं आता है। मैं एक दिन सोचा ना, मैनू पगले बड़ी नींद आता सी, मैं खुदा नू आके प्रभु जी मेरी नींद नू कटाओ, क्योंकि मरण दे बाद पूरी जिंदगी सोना नो। तुसी देखिया कबर ते लिखे रखिया RIP, इहदा मतलब की है, चश्मा वाले उहदा मतलब की है, RIP रेस्ट इन, जदों तू मरेगा बोलो तंगी ना करो, उठ के सुते रहो,
ਆਰਆਈਪੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸਿਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਜੋ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਯੇਸ਼ੂ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੂਲੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਦੋ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰਿਆਂ ਇਹ ਕਰੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਕੁੱਟਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ 12:01 ਵਜੇ ਸੌ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਮਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਪੈਣਾ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਯੇਸ਼ੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਪਗਾੜ ਤੇ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਯੇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਨਾਲ ਯੇਸ਼ੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਯੇਸ਼ੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਚੇਲਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੂਫਾਨ ਲਗਰ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉੱਥੇ ਯੇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਲਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੇਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਚੇਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਯੇਸ਼ੂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗੀਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕੇ ਉੱਡਣਾ, ਕਦੋਂ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਉੱਡਣਾ ਤੜਕੇ। ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਉੱਡੋ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, 3 ਵਜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸਲੀ ਦਾ ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦਇਆ ਦੀ ਰੋਸਰੀ ਪੜੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਮਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੱਕ ਪੀਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਪੀ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਹੋਰ ਪੀ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਪੀ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਮੇਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਵਚਨ, ਅਗਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਇਸਰਾਇਲ ਲੋਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਉੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਜੋਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋਰਦਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾਮਾਨ ਜੋਰਦਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰੀ ਨਹਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੋੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚਰਚ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਚਰਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਰਦਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਯੇਸ਼ੂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਸੁਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਪਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਤੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡੇਰਾ ਖੁਦਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 17 ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ,
अगले दोस्त कहते जो पतरोस प्रभु की शक्ति अनुभव करने बाद पतरोस ने किया गया अपा तीन डेरा बनाइए एक कि यीशु दे एक मूसा दे एक एलिया दे डेरा मतलब जिते प्रभु वास करता है आप लोग प्रभु का डेरा बनना जरूरी है सुन लिया सारे क्योंकि पहले कोरिंथियुस कितने लिखा उसके तीन बाद 16:17 ये दोस्त पढ़ते तुसी परमेश्वर का मंदिर डेरे हो जिते प्रभु की आत्मा वास करता है हालेलुया हालेलुया की बनना है आज डेरा प्रभु का डेरा यीशु नु लेके तुरना शुरू करो तां जो परमेश्वर की आत्मा आज साडे विच कम करेगा हालेलुया हालेलुया थोड़ी उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया अगे वचन पढ़ो तीन दिन वो डेरे बना के दरिया दे लगे खड़ा सी प्रार्थना कर रहा सी इसलिए आपा भी तीन दिन बंदगी रखी है तीन दिन कन्वेंशन ने किया तीसरा दिन परमेश्वर ने किया क्या क्या वचन पढ़ो इसराइल दे अगुआ ने लोका नु कहा जदों तुसी लेवी लोका नु थोड़ा जा वचन ध्यान नाल सुना जदों तुसी लेवी लोका लेवी लोग मतलब पता है कौन पुरोहित पुरोहित ओके हां लेवी लोका नु नेम दे संदूक नु लेई जांदिया देखो ओके ओके हालेलुया हालेलुया ध्यान नाल सुना नेम द संदूक पता की संदूक विच रिक्या सी दस हुकम परमेश्वर दा दस हुकम प्रभु दा वचन रिक्या आज भी पाक जो टाबरनाकल नू पंजाबी विच असी कहंदे पाक संदूक जिते यीशु रहिंदा है समझ लगा सो नेम दा संदूक लेके पुरोहित आके तुरेहा दरिया दे लगे जदों तुसी पहुंचना है वचन की कहंदा है तुसी भी ओदे पीछे पीछे जाओ वचन ध्यान नाल सुनो पीछे पीछे जाओ जदों ध्यान नाल सुनना वह पानी विच पाक संदूक दे नाल पुरोहित पैर रखने का समा पानी वगना बंद हो गया देखिए नहीं कि बड़ा चमत्कार है पानी वगना बंद हो गया सारे लोग इसलिए सुकी धरती उत्ते तुरना शुरू हो गया दरिया विच पानी खड़ा हो गया इहदा मतलब पता कि और कुछ नहीं है आज तुसी सारे जो होगी पाक संदूक बनना है आज जान दा समा कीनू लेके तुरना है पुरोहित वांग आज वचन यीशु नू लेके तुरेगा वचन ध्यान नाल सुनो ये सच्चाई है तुसी अपने घर जाके पायर रखे हां थोड़ी लड़ाई बाहर रह जाएगा थोड़ी बीमारी बाहर कड़ी हो जाएगी अंदर नहीं आना कई लोग मेनू कहंदा फादर जी प्रार्थना करके मैं इंज महसूस किया यीशु मेरे नाल यीशु ने लेके घर पहुंचे उसके बाद लड़ाई खत्म हो गई उसके बाद वीसा मिल गया उसके बाद कैंसर दूर हो गया हाँ जी इसलिए लंगर आके रोला पाके ना जाओ प्लीज आज जान दसमा अपने पति पत्नी नु लेके ना जाओ अपने नाल यीशु नु लेके प्रार्थना करदे जाना सुन लिया सारे तां जो प्रार्थना जरिए पिछले पता नहीं कितने सी मैं आख्या करांति ब्लेसिंग होना मैं हरेक नु आख्या ताला लगाना चाबी करदा लेके आना जो मैं तीसरा दिन ताले दे उत्ते ब्लेस किया मैं दसिया हुण तुसी जाओ घर खोलदा है मोमबत्ती पगले जगा के तुसी प्रार्थना करो अते पाक माणी दा चिट्टा सारे जगाओ च पाओ बहुत लोगों ने मैनू दसिया फादर जी उहदे बाद कदी बीमारी नहीं आई हालेलुया हालेलुया पाक संदूक यानी यीशु नु लेके तुरना जरूरी है इदा मतलब की है जिते परमेश्वर तुहानु पहुंचाना है उत्ते तक पहुंचने के लिए कौन साडे नाल रगना लगातार यीशु हालेलुया हालेलुया कौन रगना है यीशु रगना है हालेलुया हालेलुया मैं कदी कदी सोचदिया जेकर मैं प्रार्थना नहीं करेगा जेकर मैं त्याग तपस्या नहीं करेगा मैनू इंज हुंदा है कि मेरे तो शक्ति खत्म हो रही है मेरे तो शक्ति खत्म हो रही है मैं अपने यीशु मसीह पवन विचों मैं सिस्टर नू कहंदे रहिंदा सिस्टर जी कोई भी आएगा मैनू ना बुलाओ प्लीज क्योंकि संडे के लिए मैं तैयारी कर रहा पूरा हफ्ते संडे दे लई सवेर तो शाम तक अजकल रोज मेरा लाइव हुंदा है रोज मैनू तैयारी दे लोड़े 8 बजे तो 9 बजे तक लाइव करने के लिए मेरी तैयारी दे लोड़े उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा इसलिए मैं लोहा भी कहते 7 बजे तो लेकर 8 बजे तो तुम कानदान की प्रार्थना शुरू करो 8 बजे लाइव के नाल जुड़ना जरूरी है हालेलुया हालेलुया
जो सिटी दा फ्रांसिस अंकल पीछे बैठे हैं जगीर फ्रांसिस कई बारी मेनू कहते रहता फादर जी वो लाइव दा मीना नहीं रह सकता है अंकल अंकल इतने कितने खड़ा है हमारा जगह खड़े जाओ कोई गल नहीं तुहानू देखने दा जरा चंगा कम करन वाले नू हालेलुया हालेलुया हां ये अंकल ठीक है बैठो जी हालेलुया हालेलुया देखो इस प्रभु ने मेनू आख्या जदों भी कोई भी मेरे घर विच 8 बजे आना मैं कहता बाहर बैठो जी लाइव कदम होने ओदे करके ओदे घर विच बहुत बरकत आ गई कदी कान सी कदी मुकदा नहीं सी परमेश्वर ने भी दवाई दा बिना वो दूर कर दिता कई तरह की परेशानी सी मैनू नहीं पता हर हफ्ते कोई ना कोई चमत्कार हुंदे रहिंदा ओदे घर विच क्यों वचन लोज सुनदा है मैं कहते हाँ परमेश्वर सानू उठाना चाहते हैं खुदा सानू उठाना चाहते हैं हालेलुया हालेलुया जो प्रभु सानू उठाना है अज का वचन की इसलिए की करना पड़ेगा यीशु नु लेके आज अपने घर जाना है हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी स्तुति होए यीशु तेरी स्तुति होए मत्ती दी अंजील उदी 3 बाद दी 2 ये तो असी पढ़ते हैं इसलिए योगना बात इस माने किया किया पछताव करो तौबा करो आगे जड़ा वचन ध्यान नाल सुनो क्योंकि प्रभु दा राज नेड़े आ गया हालेलुया हालेलुया खुदा दा राज नेड़े आ गया नेड़े आए होया परमेश्वर दी शक्ति नु मैं अपनाएगा हाँ परमेश्वर मैनू उठाएगा ये जानते रखना यदा मतलब यही है यीशु मेरे घर विच राज करना अजकल कई भेणा अपने घर विच राज करती है ना प्रावा बड़ा गरीब बंदा की कर सकता है हालेलुया हालेलुया मैं कहता कोई भेण नहीं प्राव नहीं कोई कई घर विच बच्चे मां बाप ने बड़ा डरा के बिठा होता है उस परिवार कदी उठना नहीं हालेलुया हालेलुया वचन कहता है तुहाडे घर विच यीशु राज करना जिस घर विच यीशु है उस परिवार नु खुदा ने उठाना है परमेश्वर ने उठाना आज तुसी भी प्रार्थना करो हे परमेश्वर आज मेरे उत्ते दया कर जर्मिया नवी दे ग्रंथ दी 33 बादी 11 ये तो असि प्रभु दा वचन पढ़ रहे जर्मिया चैप्टर 33 वर्स 11 ऑनवर्स प्रार्थना करो मेनू और कोई चीज आंदे लोड नहीं आज मेनू परमेश्वर दी शक्ति दा लोड़े हालेलुया हालेलुया थोड़ी उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया जर्मिया नवी दा ग्रंथ ओदी 33 बादी 33 बादी 11 ए तो असि प्रभु दा वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं सिस्टर जी वचन पढ़ो हालेलुया 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 हां थोड़ा ये सारे हालेलुया हालेलुया वचन पढ़ो खुशी दे गीत ते ब्याह शादियां दे हल्ले दी बात सुनोगे तुसी मंदिर विच लोकां दी धनवादी पेंटा लियोन दे समय दी आवाज सुनोगे ओ कहणगे सर्वशक्तिमान प्रभु दा धन्नवाद करो सर्वशक्तिमान प्रभु दा की करना है धन्नवाद करना साडे घर विच और किसे दा नहीं खुदा दा धन्नवाद करनो जो परमेश्वर तुहाडे जरिए कराउणा है उस परमेश्वर दा धन्यवाद करो हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी स्तुति होवे यीशु तेरी स्तुति होवे पिछले जो पतेगढ़ चुड़िया में राजस्थान सी सो एक पैन आई सी पता नहीं आज आ गया जानी ओदे एक लड़का से 12 साल दा मुंडा सी हां इते आ गया वो पर कड़ा हो सकदा है राजस्थान से आए सी ओदा नाम पता नहीं मैं एक भूल गया मैं सो आया सी परिवार इते उस दिन आके उते कफांगी दे रहा सी काफी चेर दा ओदा परमेश्वर ने बच्चे दा वरदान दिता रिया ओदे नाम है राजस्थान से रिया सो उस पेंड ने उत्ते गवाही दे रहा सी गवाही यही है जो डॉक्टर चेकअप किया है मैं मैनू लगता है उस लड़के का कर प्लत साइड दे डॉक्टर ने दसिया काफी चेर दा दिन बच्चे का वरदान मिल गया वो बच्चे का दिल आधा नहीं है खात नहीं है पूरा ग्रोथ नहीं है इसलिए डॉक्टर कहते तू अबोर्शन करना पड़ेगा बड़ी रो के आ गया फार जी इन्नी दुआ करके खुदा ने एक वरदान दिता है पर जो मैं प्रार्थना कर रहा सी मैं देखिए बच्चा बिल्कुल ठीक है पूरा मैनू दिखाई दे रहा मैनू नहीं पता है मैं उस पेंड नू आखिया तू रोना नहीं है उन्हें मैनू दसिया फादर जी मैं कहता तेनू डॉक्टर ने जरा की स्कैन किया जा अल्ट्रासाउंड किया उदों तो विश्वास है तू जो करना कर लो पर मैनू खुदा कहता तू अबोर्शन नहीं करना हालेलुया हालेलुया 2 दिन बाद फिर इन्हें चेकअप किया फिर भी यही हालत है दिल नहीं है सिर का ग्रोथ नहीं हो रहे खात पैर नहीं है और फिर मैं जो उस समय लुधियाना से मेरे को आ गए मैं प्रार्थना कर रहा मैं कहता भैन जी एक गल मैं तेन दसना हूँ मेनू नहीं बोलो खुदा तू भरोसा रखो तू अबोश नहीं करना हालेलुया हालेलुया बच्चा हो गया पूरा नॉर्मल
बिल्कुल सही बच्चा हो गया। हालेलुया हालेलुया। वो बच्चे नू लेके हुण बच्चा 12 साल दा मुंडा सी, उस मुंडे नू लेके स्टेज ते आया सी। था मैं तुहानू दसिया देखिया नहीं डॉक्टर कुछ कहना है, पर तुसी प्रार्थना करो। ए अमृतसर दे एक गल मैं तुहानू दसूंगा, जो 3 दिन दी प्रार्थना उस समय चलदा सी, एक बहन ने मेरे दसिया, मैं देखिया सी वो ग्रोटो दे के बहुत रोंदी सी। मैं कहंदा तू क्यों रोंदी है? फादर जी 8-10 साल हो गए बच्चा नहीं है। मैं एक रोसरी दे उत्ते दुआ करके उदे गले विच रोसरी पाया, सारे मेहरबानी करके रोसरी पाके ही जाना। हालेलुया हालेलुया। एक रोसरी ले लो आज दा कन्वेंशन दे करके। हालेलुया हालेलुया। रोसरी पाके चल गई। जो मेनू लगता है 3 महीने दा अंतर मेनू दसिया पार जी मैं प्रेगनेंट है। मैं कहंदा बहन जी दुआ करते रहो पर गले तो रोसरी नहीं उतारना, वजन वजन गले तो नहीं उतारना। हर महीना जब हफ्ते में कदी कदी सिस्टरां नूं फोन करके जो दुआ करवाउंदे रहिंदे, अजान के 7वां महीना कुछ मैनू लगता है फोन आ गया, बच्चा हुण घूमदा नहीं है। डॉक्टर दे कोल गया, डॉक्टर ने इत्थे दी गल था मैं कहिंदा जो तुहाडा मजीठा रोड दी गल है। सो वो बच्चे जो मर गया 2 दिन हो गया अबोर्शन करना। मैनू फोन किया, मैं कहिंदा भैन जी कल एतवार है, मैं गड्डे विच जलंधर, मेरा कन्वेंशन संडे शुरू है, पर मैं 1 बजे के बाद मैं चल जाएगा, जेकर मिलना है तुसी 10 बजे तक पगले आना। हालेलुया हालेलुया। जो आ गया इन्नी दूर आना, जो पहुंचिया लेट हो गया, पर मैं चल गया सी। सिस्टर संतोष डीएम सिस्टर है, जो सिस्टर जी उस समय उत्ते सी रिसेप्शन में सी, मेरे फोन पर दसिया फादर जी इस तरह किसी ने सद्या। मैं कहता मैंने याद नहीं की पता कितने लोगों का फोन आता है। मैं कहता मैंने याद नहीं है सिस्टर जी। सिस्टर ने दसिया एक परिवार बहुत रो के आ गया है, उन्होंने कि बच्चा मर गया। फिर मैंने याद आ गया, मैं सिस्टर ने दसिया सिस्टर जी एक रोसरी ते दुआ करो। चलो मैं हूँ चल गया है स्टोर के सारे रोसरी नूं मैं ब्लस करके रखिया, पर भी तुसी दुआ करके उदे गले विच पाओ। हालेलुया हालेलुया। मैं पिल्लोर पहुंचिया लुधियाना नंगिया जलंधर जा रहे, एक गेट दे पार गया, मेनू फोन आ गया बच्चा चलना शुरू हो गया। हालेलुया हालेलुया। मेनू नहीं पता है, विश्वास करो ना करो, दूसरे जदों बच्चे दा जन्म हो गया पहले मेरे को लेके आ 2-3 साल उधर जन्मदिन उत्ते ही मनाउंदा सी। एक साइड ते बच्चा मर गया, पर मेरा विश्वास है खुदा साढ़े जिंदा परमेश्वर मुर्दे नूं जिंदा करता है, भजन कहता है। मैं इसलिए तुहानूं कहता हाँ, उस बहन ने पता की किया सी, जदों नूं सब कुछ हो गया हुण सोचिए की दा लोड़े, इसलिए थोड़ा ध्यान निकल गया माता मरियम विचों। जदों नहाने के लिए गया रोसरी उतार के गया, पाया नहीं, भूल गया। मेरा विश्वास ये, मैनू नहीं तो थोड़ा विश्वास की है, माता मरियम चल गई नाल यीशु भी चल गया, सो बच्चा खत्म हो गया। हालेलुया हालेलुया। आज तो लगे मैं नो एक गल दसना, मेरे को हमेशा 3-4 रोसरी है, 2 रोसरी मैं कदी उतारदा नहीं, नहाने टाइम भी मैं नहीं उतारदा, मेरा और विश्वास है। सो परमेश्वर हर समा मेरे नाल रहना। मैं कहंदे आ रोसरी मतलब की है प्रभु का वचन है, जदों गले विच पाया परमेश्वर का वचन मैं गले विच पाया, मैंने बहुत अनुभव इस तरह की। हालेलुया हालेलुया। चलो ठीक है अगे हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु दा वचन की है, वचन पढ़ो शिष्य जी, एक बार और वचन पढ़ो, वचन यही है खुदा दा वचन, थोड़ा जा ध्यान ना सुना। सर्वशक्तिमान प्रभु दा धन्यवाद करे क्योंकि वो फला है, सुन लिया सारे, वो फला ही करेगा, तुसी उदा धन्यवाद करो, उदी तारी करो, फला ही करना है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो फला है अते उसकी दया आनंद है। हालेलुया हालेलुया। वो तुहाडे उत्ते दया करेगा, वो अंत तक उदे दया है। जदों असी पूरा विश्वास नाल अज प्रार्थना करेगा, वो अगे वचन की कहता है मैं इस धरती नूं पगले दे वांग खुशहाल करूंगी, दा मतलब यही है पगले वर्गा तुहाडे घर विच मैं शांति देना, पहली गल, पगले वांग मैं तुहानूं तंदुरुस्ती देना, दूसरी गल, तीसरी गल, पगले वांग मैं तुहाडे सारे बच्चियां दा जीवन नूं सुधारना है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए टेंशन लेने का लोड़ नहीं, परमेश्वर पगले वांग तुहानू उठावना और कुछ नहीं है, खुदा ने तुहानू ताकत देना तंदुरुस्ती देना। लो मैंने कहता फार जी आप पगले जैसे हुण भी है, पर मैं कहता मैं 60 साल तो ऊपर हो गया है,
पर खुदा दे काम लगातार करते रहो, परमेश्वर तुहाडी उम्र नू आगे बढ़ना नहीं दिंदा है। हालेलुया हालेलुया। जदों असीं खुदा दे काम करना बंद हो गया, बस कदम हो गया, इसलिए मैं अपने नाल रगन वाला हरेक नूं कहिंदे प्रार्थना दे लगन विच रहो, फालतू गल्लां करना शुरू करेगा तुहाडे विचों आत्मा दी शक्ति निकल जांदी है। यीशु मसीह ने आप आ गया, लूका दी अंजील विचों असीं पढ़दे हां, लूका दी अंजील ओदी 12 बादी 8 तो। हालेलुया हालेलुया। जदों असीं परमेश्वर दा वचन लोकां नूं सुणाउणा शुरू करेगा, खुदा साडे उत्ते दया करना। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा हाथ उठाइए सारे, हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी बड़ियाई होवे, यीशु तेरी बड़ियाई होवे। वचन पढ़ो सिस्टर जी, लूका दी अंजील ओदे 12 बादी 8 ए तो। वचन ध्यान नाल सुनना, परमेश्वर तुहानू उठावना चाहुंदे हां। ए याद रखना, हफ्ते दे अंदर मैं कहंदा तुसी महसूस करेगा तुहाडे घर विच फर्क पैणा शुरू हो रहा है। अज भी शामां नूं मैं छोटा जिहा एक प्रचार करा सी, देखो परमेश्वर ने की किया। अन्ना यीशु को आ गया ना, यीशु ने पहले आखिया अन्ने तेन कुछ दिखाई दिता है, अन्ना कहते मैनू कुछ नहीं दिखाई दिता है। फिर यीशु ने ओदी अखां ते हाथ रख के पूछे हूँ कुछ दिखाई दिता है, कहते हैं मैनू दिखाई दिता पर मैनू इंसान दरक वांग दिखाई दे रहे। हालेलुया हालेलुया। की दिखाई दे रहे? इंसान दरक वांग दिखाई दे रहे। हालेलुया हालेलुया। फिर यीशु ने उन्हें छुया है, फिर की हो गया? फिर कहते मैनू थोड़ा जा साफ साफ दिखाई दे रहे। फिर छुया, वचन कहता है इस तरह यीशु जो लगातार अन्ने छूना शुरू हो गया, उदी पूरा निगाह वापस आ गया। इदा मतलब पता की है, द कंटिन्यूस टच ऑफ जीसस इज नीडेड। हर समा यीशु सानु छूंदे ही रहना, था मैं कहते यीशु दियां गल्लां करते ही रहना, उदी हजूर विच रहना, लगातार परमेश्वर सानू छूंदे ही रहना। हालेलुया हालेलुया। वचन पढ़ो, जो आदमी दूजे लोकां दे सामने, लूका दी अंजील ओदे 11 12 बाद दी 8 तो असीं पढ़ रहे हैं। वचन पढ़ो, मैं तुहानू कहंदा हां, यीशु ने आख्या मैं तुहानू कहंदे हां अगे, जो आदमी दूजे लोकां दे सामने, दूजा लोकां दे सामने मैनू प्रभु करके मनदा, यीशु नू प्रभु कहके मनना, लगातार यीशु दा नाम लेंदे रहना, तां वचन कहंदा है तां कंटिन्यूस टच ऑफ जीसस, लगातार परमेश्वर तुहानू छूंदे रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हल्तार ते आउण वाले प्रभु यीशु तुहानू सारिआं नूं चुणिआ, थोड़ी कड़े जाइए। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ उठाई सारे, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना सारे करना है, परमेश्वर दी आत्मा हरेक दे उत्ते अज काम करना। जिन्हें भी खड़ा हुंदा है कोशिश करो यीशु मसीह दा नाम ते खड़ा जाओ। जिस तरह पतरोस ने आ गया, जो जन्म तो लंगड़ा सी, यीशु ने पतरोस ने की आ गया, तू यीशु दा नाम ते खड़ा जाओ। हालेलुया हालेलुया। ध्यान ना सुना है सेवादार इस समा, क्योंकि बाद विच मैं सोचा तुहानू शांति नाल भेजना है। इस समा सेवादार जो ऑफरिंग इकट्ठे करन वास्ते आ रहे, तुसी प्रभु विच आत्मा विच मसा होके दिल होल के परमेश्वर दा कम दिली ऑफरिंग देना है। हालेलुया हालेलुया। जान दा समा सारे, एक एक रोसरी यीशु मसीह फोन दी स्टोल उत्ते हैं, दुआ करके रिक्या है, जो भी चीज चाहिए वो गले विच ही पा के ही जाना है। प्रार्थना करके रिक्या, जेकर किसी का दिल करता है यीशु मसीह फोन दे लई ऑफरिंग देना है, तुसी स्टोल ते जमा कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। मेन गल ध्यान नाल सुनो, मैं इस वारी भूल गया, जेकर अपनी कोई रिक्वेस्ट बेंदी प्रार्थना वाली बेंदी है, ध्यान नाल सुनना, प्रार्थना वाली बेंदी है, लिख के सानू देना है, तुसी घर जाके लिखना है, कल तुसी लेके स्टोल ते देना। अंग्रेजी हिंदी पंजाबी ये तीन बोली विच लिखना लिख सकता है, जो मैं आप खोल के तुहाडे लिए पढ़ूंगा, पर उत्ते अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना है। क्यों लिखना है? तां जो जेकर कोई मैसेज हो गया, मैं तुहानू की करना है, वो जो जो संदेश मैनू मिलता है, मैं तुहानू
ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਫਰਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਫਰਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਨ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਫਰਿੰਗ ਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਫਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੜੇ ਹੀ ਰਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਭਰਾ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫਰਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁਣਾ ਹੈ ਆਫਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਫਰਿੰਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਡਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਗੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੱਥ ਉਡਾਈਏ ਹੱਥ ਉਡਾਈਏ ਯਿਸੂ बोलो नाम 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 ये सुना बोलो नाम 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 ये सुना बोलो नाम 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 ये सुना बोलो
ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਕਰੋ ਵਾਵਾ ਨੇ ਕਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਲੇਲੂਇਆ ਹਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਜਾਈਏ ਹਲੇਲੂਇਆ ਹਲੇਲੂਇਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਗਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਉੜਾ ਕੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈਏ ਹੁਣ ਹੱਥ ਉੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ बोलो सारे मिलके बोलो ये सुदया का बहता सागर 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 ये सुदया दाता महान हालेलुया ये सुदया दाता महान ये सुदया दाता महान ये सुदया दाता महान बोलो
हालेलुया। आज बहुत दुल्हा ने चंगाई मिल रहे, कैंसर शुगर गुर्दे दी मरीज यीशु चूरे प्रार्थना करना है। वग वग बीमारी तो आज परमेश्वर दी शक्ति में देख रहे हैं। इस जी ग्राउंड विच परमेश्वर दी आत्मा घूम रहे हैं, पीछे कई प्रावा है जिन्हों परमेश्वर हुक्म दे रहे, शराब चढ़ना नशा चढ़ना है। प्रार्थना करो सारे जिन्हें भी इतने आ चुका है, शराब नशा हर तरह की बुरी आदत आने चढ़ के, प्रार्थना करो सारी शांति नाल बैठिए। हालेलुया हालेलुया, थोड़ी उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया। एसेकल नबी दा ग्रंथ विचो असीं प्रभु दा वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखो परमेश्वर हरेक नूं उठा रहे, उहदी तीन बात ही 18 ए तो असीं प्रभु दा वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एसेकल नबी दा ग्रंथ उहदी तीन बात ही 18 ए तो जदों असीं प्रभु दे वचन उत्ते चलना शुरू करेगा, खुदा तुहानूं छूणा है। हालेलुया हालेलुया। वचन पढ़ो सिस्टर जी। जेकर मैं किसी दुष्ट मनुख बारे दसां, हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे, हालेलुया 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 हालेलुया, उच्ची बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। भजन पढ़ो। जेकर मैं किसी दुष्ट मनुख बारे दसा कि वो मरण वाला है, ये थोड़ा जो वजन तुसी ध्यान नाल सुनना है, क्योंकि वजन कहता है जेकर थोड़ा जा ध्यान रख लो, मैं किसे दुष्ट मनुख बारे दसा, मतलब जड़ा शराब पींदा है, नशा करता है, बीड़ी सिगरट पींदा है, इस तरह के बारे तुहानू मैं दसना है, पर वह मरण वाला भी है। इहदा मतलब कि दारू विच मरण वाला, नशे विच मरण वाला, तुहानू पता है ये मरण वाला है। अगे वचन की कहता है, पर तू उसनू इस दे बारे कोई चेतावनी ना देवे। इहदा मतलब पता कि ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਰਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਸੁਧਰ ਜਾ। ਵਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ दूसरे नू सुधारने के लिए दसना है, दूसरे नू तुसी दसना सुधर जा। यीशु अल्तार ते रोटी दे रूप च साढ़े विचार आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। सारे प्रार्थना करो, परमेश्वर अज साढ़े ते दया करो, ए यीशु अज साड़िया कमजोरिया नू दूर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे घुटने टेके, हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रार्थना दे लगन विच रहो। भजन की कहता है, जेकर मैनू पता है कोई गलत रास्ते उत्ते तुरदा है, तुसी उनु संडे चर्च लेके नहीं आएगा, जा तुसी उनु प्रभु दा वचन नहीं सुनावना। वचन कहते उदी मौत दे कारण तुहाडे उत्ते ही आउणा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए ए ना सोचो मेरा परिवार कल्ले बजना है, प्रभु दा वचन है साडे कम्मे दूसरे नूं ही बजावना, उहदी बरकत सानू मिलना है। जदों असीं दूसरे नूं बजाउण वास्ते प्रार्थना करे, खुदा ने सानू चुणा है। सो इसलिए मैं तुहानूं कहिंदे रहिंदा, तुहाडे परिवार नूं बचाउण के लिए की करना, लोकां नूं दसना कन्वेंशन दे बारे। अज यीशु साडे विचार आ रहा है। सारे घुटने टेकिए, जो यीशु परमेश्वर जो यीशु जदों पहुंचिया विश्वास नाल यीशु दा पल्ला चुया, उस अवरित नूं खुदा ने चुया, जिन्हों 12 साल दी बीमारी सी, विश्वास नाल ओ यीशु दा पल्ला चुया। कईआं ने चुनी विछाया, कईआं ने अपने कपड़ा विछाया, कईआं ने आप परमेश्वर दा जो वस्त्र चुया है, कपड़े दे चुया है, जो प्रभु दी आत्मा कम कीता। हालेलुया हालेलुया। असीं प्रभु की आराधना करते हुए भजन गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंखों को पोंछने वाले, मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंखों को पोंछने वाले, विनती सुनने वाले प्रभु
यीशु तेरी आराधना, ओ यीशु तेरी आराधना, मुझे चंगा करने वाले, मेरे आंखों को पोंछने वाले, मुझे चंगा करने वाले, मेरे आंखों को पोंछने वाले, चंगा करने वाले प्रभु यीशु तेरी आराधना, ओ यीशु तेरी आराधना, आकाश धरती का सृजनहार तू, 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 आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति, 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 आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आई जाके हाथ उड़ाइए, सारे हाथ उड़ा के परमेश ने महिमा वडियाई करो, हाथ उड़ा के यीशु वाल ध्यान लगाओ, यीशु आकाश धरती का सृजनहार तू, 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 आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, सारी शांति नाल ध्याना सुने, ईश दे मत्था टेक के बैठिए, साडे विचार ईशु आ गया है, जिस तरह भजन में चले गया जदो यीशु पहाड़ उत्थों थले आ गया, आज पहाड़ तो नहीं पाक संदूक विचो टाबरनाकल विचो चर्च तो यीशु आज साढ़े विचार आ गया, क्यों तुहानू चूना है, वजन कहता है यसकल नवी दा ग्रंथ विचो असी पढ़ते हैं, ओदी भी बाप दी दस ए तो असी पढ़ते हैं, परमेश्वर दा वचन के मैं थानू सारे मिस्र तो मिस्र विचों बागर
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਜਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੇਸ਼ੂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣੇ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਲੇਲੂਇਆ ਹਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਯੋਗਨਾਂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 14:14 ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਧੀ ਯੋਗਨਾਂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵਚਨ ਪੜੋ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲੀ ਨੂੰ, ਫਸਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸੱਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਫਸਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਕੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਧਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਜਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਜਨ ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੋ। ਸੰਧੀ ਯੋਹਨਾਨ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੇ 11:17 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਾਰਤਾ ਮਰੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜੀ ਉੜਿਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 40 ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪੱਤਰ ਕਢਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਖੱਡਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਪੱਥਰ, ਗੁੱਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਵੀਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਕੱਟਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਗਮੰਡ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਪਰ ਮਾਰਤਾ ਮਰੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਪਗਲੇ ਜਨਾਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਗਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਤ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ,
पत्थर हटाने के लिए मैं हुक्म दे रहा, आज तुसी भी बोलना की बोलना, पत्थर हटाओ जांद रेकना, शराब पीने की आदत नु हटाओ, नशे नु हटाओ, लड़ाई झगड़े नु हटाओ, सुस्ती नु हटाओ, प्रभु यीशु ते सक्रमेंट नाल जुड़े रहो, यीशु दा नाल जो पत्थर हटा दिता वजन की कहते गले गए लाश नीशु देखिया देखिया नहीं मारता मरियम उन्हां दी अपना ही भैण है ओ लाश वल नहीं देखिया देखिया नहीं साड़ी आदत इसे तरह मैं कहता कदी कदी करवाली भी शराब पीण की आदत नू करके अपने पति नू नफरत करता है वजन ही है अपने पति नू नफरत करता है गरीब दे करके थोड़े परिवार ने थोड़े रिश्तेदार भी नफरत करता है गरीब हो गया मैनू ये कौन है ये मैं नहीं जानता ये गरीब है गरीब दे करके लोग थोड़े नफरत करता है वचन कहता है इतने मारता मरियम अपना प्राव दी लाश देखना नहीं चाहते हाँ साढ़े रिश्तेदार भी सानू देखना नहीं चाहता कोई गल नहीं बचो साढ़े घर वाला सानू देखना नहीं चाहते कई बच्चा कहता बाहर जी सानू मां बाप नू बच्चा देखना ही नहीं चाहते इन्नी मुश्किल नाल लड़के नू पालन पोषण किया बेटे की शादी हो गई नूह आ गई बेटा मिनट में नूह दे नाल जुड़ गया अपनी मां नू नफरत करना शुरू हो गया अपने मां अते बाप नू नफरत करना शुरू हो गया बस यही गल ते वजन कहता है भैन अपने भराव की लाश नू देखना ही नहीं चाहता पर परमेश्वर ने किया क्या तू टेंशन मत ले ले तू ना देखो यीशु ने देखिया आज तुसी बोलो यीशु मेरे वल देखो और कुछ नहीं यीशु देख के किया क्या गल गया लाश नु ले गया जड़ा कीड़ा गा रहा सी जो दुर्गंध आ रहा सी उस लाश नु देख के यीशु ने आख्या लाजरो वचन कहते जीसस क्राइड आउट दोवे हाथ मिला के इसलिए मैं तुहानू कहंदे रहिंदा हाथ मिला के यीशु नु पुकारना दोवे हाथ मिला के वजन की कहता है योगनाम दी अंजील उदी 11 वादी 40 तो उस वर्ते हैं यीशु उच्ची आवाज नाल पुकार के आके लासर बाहर आ जड़ा मर गया सी सारे नफरत कीता लाश वल देखने के लिए वो बाहर आई दा मतलब पता की तुहाडे गरीबी दूर हो जाएगी फिर सारे तुहाडे नाल जुड़ना शुरू करेगा देखिया नहीं तुहाडी नूह तुहाडी इज्जत करना शुरू करेगा क्यों जी तो गल गया लाश बाहर आ गया बल्कि जो भैणा ने एकदम भराव नू जप्पी विच सिंगार किया जरा बंदे दे बारे दसिया प्रभु जी पत्थर ना हटाओ रहन दो बस हो गया हुण तुसी साडे लई भराव बन के तुरो देखिया नहीं पर यीशु ने आख्या कोई गल नहीं आपां लाश नू उठाउणा हालेलुया हालेलुया जेकर सानू नफरत करन वाले साडे बच्चे है साडा पति है साडी घरवाली है आज तुसी विश्वास नाल प्रार्थना करो मैं कहंदा हाँ आज परमेश्वर ने तुहानू दुबारा जीवन देना देना ही है हालेलुया हालेलुया जदों दुबारा खुदा ने देखिया आज तुसी रोज प्रार्थना करो बच्चे खास करके होली वीक में पाक कप्ते विच यीशु मेरे वल देखो हुण मैं तुहानू एक गल दसनी पत्थर की है साडे पाप वो कदों हटा सकदा है पाप सिहार करन दा समां यीशु आप तुहाडा पाव मोड़े ते ले रहे हालेलुया हालेलुया यीशु की कर रहे आप तुहाडा पाव मोड़े ते ले रहे था वजन में चिलके इसे तरह चंगा पाव सिंगार करन दा समा चंगा इतराव करन दा समा उते की हो रहे पत्थर निकाल रहे जिन्नी चेर पाव दे हाल तू जिंसा रहिंदा है उन्नी चेर परमेश्वर दी शक्ति साडे विच घुसना नहीं उन्नी चेर खुदा दी आत्मा दी शक्ति मेरे विच नहीं आउना जिन्नी चेर पत्थर ना हटा ता मैं तुहानू कहंदा इतराव करो मैनू काफी उदाहरण है मैं एक दिन केरला में कन्वेंशन चल रहा सी जदों कन्वेंशन चला सी एक भैन इतराव करने के लिए आ गया इन्नी कुबी सी पाप सिहार करन दे बाद वो सीधी हो गई जो पाप उनू उदी रीढ़ दी हड्डी नू टेढ़ा करके रखिया आज तुसी भी प्रार्थना करना प्रभु दी आत्मा आज साडे विच कम करना जदों पत्थर हटाएगा यीशु की करना है साडे वल देखना हालेलुया हालेलुया यीशु साडे वल देखना है इसलिए तुसी आज प्रार्थना करो ये परमेश्वर
तो साड़े वल देखो साड़ियां कमजोरियां दूर कर साड़ियां परेशानियां दूर कर हालेलुया हालेलुया सारे थोड़ी उच्ची बोलो हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी स्तुति होवे यीशु तेरी स्तुति होवे यीशु तेरी बड़ाई होवे यीशु तेरी बड़ाई होवे मत्ती दी अंजीलो दी आठ बा दी 17 तो असी पढ़ते हैं प्रभु ने की कीता उसने आप साड़ियां कमजोरियां नु ले लिया अति उसने आप साड़ियां बीमारियां नु चुक लिया देखिया नहीं पाप सिहार करने इतराब दा समा यीशु साड़ियां कमजोरियां साड़ी जड़ी शराब पीण दी आदत साड़ी कमजोरी है नशा करन दी आदत पाप करन दी आदत गलत कम करन दी आदत गलत सोच शरीर दा वासना ये सारे यीशु कहंदा मैं उठाउणा है इसलिए यीशु कोल जाना था वचन कहंदा उसने कौन यीशु मसीह ने आप साड़ियां कमजोरियां नु ले लिया उसने आप साड़ियां भी मारिया ने चुक लिया हालेलुया हालेलुया सो आज प्रार्थना करो जिस तरह मत्ती रंजील ओदे 8 बाद दी सॉरी 9 बाद दी पहले तो सी पढ़ते हां जदो खुदा दे कोले एक अधरंगी ने लेके आया उनो देखे यीशु नु पता सी ए इसलिए अधरंगी बन चुका पाप दे करके अधरंगी बन चुका है यीशु ने किया कि मैं तेरा पाप हटाया पत्थर हटाया यीशु ने आख्या मैं तेरा पाप माफ कर रहा फिर यीशु ने किया क्या तू उड़ते तुर हालेलुया हालेलुया देखिया नहीं परमेश्वर ने की किया पत्थर यानी जड़ा साडे पावरी जीवन नो बदल दिता है आज तुसी भी खुदा दे चरणा में जा यीशु दे चरणा में जाके प्रार्थना शुरू करो कई लोग मैं देखिया बहुत की करता है कई लोग रोजा रखते हैं सवेर तो शाम तक पैना रोजा रखे शाम नो इन्नी लड़ाई कलेश कर विच की पैदा है रोजा दा पैना सोच लो कई प्रावा 40 दिन शराब नहीं पीता फिर 40 दिन दा जिन्ना बोटल उन्हें छोड़ दिता सी वो सारे उदे बाद एकदम बोटल भी पीना शुरू हो गया देखिया नहीं की फायदा है सो इसलिए पगले अपने आप नु बदलना जरूरी है बच्चों बदलना है ਤਾਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਹਾ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਤਰਾਫ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੁਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਜਾਂਡ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੀ 15ਵਾਂ ਦੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਜਾੜ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਇਹ ਬਾਪ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸੁਰਕ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਤਰਾ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਵਾਂਗ ਤੇਰੇ ਕੋ ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕਦਮ ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੋਚ ਲਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੋਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮੋਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਇਤਰਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਇਤਰਾਵ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਕਰਮੈਂਟਲ ਗ੍ਰੇਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਜੋ ਇਤਰਾਵ ਦਾ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਤਰਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਣਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਭਾਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ
हाथ हो गया ना, नहीं तो मां तू जिते मर्जी जाओ मर जाओ। जदों बच्चे दे कोल पैसा नहीं है हौली हौली मम्मी मम्मी पता लगेगा ये क्यों मैनू माम माम बोलना शुरू हो गया। मैं भी कदी कदी देखता है जदों कोई घर में परेशानी हो गया फादर जी, मैं कहना क्यों, मैनू पता है कुछ हो गया, नहीं तो फादर जी नू कदी याद भी नहीं करता है। मैनू कदों याद करता है, जदों घर में कोई क्लेश हो गया, कोई लड़ाई हो गई, कोई बीमारी हो गई, फादर जी मैं कहना मैं पता है तू क्यों मैंने बड़ा प्यार नाल फादर जी कहता है। उन्नी चेर फादर सी नो हूँ फादर जी हो गया। यही है जो बच्चे हाथ खाली हो गया जा शादी हो गया करवा ली बच्चे ने नफरत करना शुरू हो गया, मम्मी जी क्यों इन चढ़ के दूसरा शादी करा के दे दो मैनू, देखिया नहीं। हालेलुया हालेलुया। सो वचन कहता है कि परमेश्वर तो वचन ध्यान नाल सुनो, जदों वचन कहता कि यह बंदा कदों सोचिया मैं बाप दे कोल जाना, वह हड्डी दे उत्ते हड्डी रह गया, मरना शुरू हो गया, उदे कोल कपड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, नाले सारे दोस्तां दोस्तां उन्हें चढ़ के चल गया। मेरे कहने का मतलब यही है वह माफी मंगिया, उन्हें लोड़ सी रोटी, रोटी मंगिया नहीं मंगिया, मंगिया माफी, जूती मंगिया नहीं मंगिया, मिल गया जूती, रहने के लिए जगह मंगिया, वो डर दे मारे आया सी, नौकर वांग रहने के लिए आया, बाप ने अपने बैठा बनाया। इदा मतलब पता कि प्लीज आज तो लेके खुदा तो कोई चीज नहीं मंगना, मंगना की है माफी। असी माफी नहीं मंगता, प्रभु जी वीसा दे दो, माफी नहीं मंगता, क्यों मैं कड़ी गलती करके बैठा ना, कदी कदी एक कुट की है दारू पींदा, मैं कदे एक कुट होने दो, चोरी 5 रुपये होने दो, 1000 रुपये दो, चोरी चोरी है, ये याद रखना। जो कभी कभी कई भराओ मैनू कहते बार जी शादी ते, मैं कहना बैठा गलती गलती है, शादी होने दो कोई भी होने दो, अपने शरीर नू पवित्र रखना परमेश्वर का मंदिर है। जिस इंसान खुदा का वचन की है पहले कुरिंथियुस उसके 3:16-17 तो असं पढ़ते हैं, जिस इंसान इस मंत्र नू नाश करेगा उस था मैं नाश करूंगा, ये वचन याद रखना। उसका की है तंदुरुस्ती शांति, उसनु गरीबी विच सुटेगा, पहले कुरिंथियुस 3:16-17 तो। इसलिए प्रभु कहता है जो इंसान इस मंत्र नू नाश करेगा उसका मैं नाश करूंगा। मैं देख रहा आज परमेश्वर की आत्मा बहुत काम कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। 10 मिनट और बोलूंगा ठीक है। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। तो प्रार्थना दे लखन विच जदों असीं रहेगा मैं कहंदे आत्मा साडे उत्ते काम करते रहेगा, और कुछ नहीं प्रभु दी आत्मा साडे उत्ते काम करेगा। किसी दा सिर में इस साइड ते काफी तकलीफ हो रही है, जिते कोई वेन ब्लॉक है प्रार्थना करो खोल रहे, प्रभु दी आत्मा काम कर रहे। अज मैं देख रहा बहुत लोगों परमेश्वर की आत्मा की शक्ति काम कर रहे। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। आगे वचने आगे से मैं हुण की करना, आगे बढ़ने के लिए यीशु नु बोलना, यीशु मेनू हर काम के लिए इस्तेमाल कर। सुन लिया सारे योगनान दी अंजील ओदी 9:6 तो असीं पढ़ते हैं, यीशु मेनू इस्तेमाल करेगा बस काम हो गया। मैं तुहानू हर समय मैं तुहानू कहिंदे आ मैं रोज यीशु ने कहते यीशु मैनू इस्तेमाल कर, और कुछ नहीं है, मैनू और कोई इस्तेमाल नहीं करना, यीशु तू मैनू इस्तेमाल कर। हालेलुया हालेलुया। सो तुसी प्रार्थना करना योगनाम दे अंजीलो दे 9:6 तो पढ़ते हैं, जिते यीशु मिट्टी इस्तेमाल कर रहा है, देखिया नहीं की किता यीशु ने उत्ते मिट्टी दे उत्ते तुकिया, तुकन द्वारा मिट्टी पवित्र बन चुका है। सो इसलिए मैं कदी कदी चोचते ये अल्थार ते ना जे टेबल दे उत्ते कपड़ा पाया है, एक बारी ये अल्थार ते पाना शुरू हो गया इस कपड़े नू अलग साफ करता है, क्यों पवित्र बन चुका है, समझ लगा। इधर आधा कपड़ा शायद तुसी कमीज के लिए लिया, मैनू नहीं पता है, जो दुकान तो जदों असी कपड़ा लेके इत्ते जो अल्थार ते पाया है, जदों परमेश्वर इस कपड़े नू इस्तेमाल करना शुरू हो गया बन गया की है पवित्र, इसलिए इनू अलग बाल्टी विच पाउंदा है, इनू अलग कपड़ा नाल इनू किसे कपड़ा नाल नहीं जोड़दा, क्योंकि एक कपड़ा पवित्र हो चुका है। इस तरह बचियो सानू भी परमेश्वर इस्तेमाल करना, दूसरे नाल नहीं रलना, शराबिया नाल नहीं रलना, कपड़ा पवित्र हो गया,
बपतिस्मा दा सक्रमन द्वारा परमेश्वर ने तुहानू पवित्र बन चुका है, पर असी फिर द्वारा रलना शुरू हो गया, तां वजन में चल गया। परमेश्वर ने मिट्टी नू इस्तेमाल किया। खुदा ने एक फादर नू वचन की कहता है, मैं बोध लोहा नू बुलाया, उन्हां विचों तुहानू मैं अलग किया। क्यों किया? तां जो तुसी दुनिया मांग नहीं रहना नहीं है। दुनिया बीड़ी पिएगा, मैं भी बीड़ी पी के तुरेगा। दुनिया मांग नहीं रहना। जेकर दुनिया मांग रहेगा, खुदा की बरकत खत्म हो जाएगी। तां वचन कहता है, मैं तुहानू बोध लोहा नू बुलाया, उन्हां विचों अलग किया, तां जो तुसी दुनिया मांग नहीं रहना। हालेलुया हालेलुया। बपतिस्मे दे सक्रमन द्वारा तुहानू परमेश्वर ने खींच लिया अपने वल, अते दुनिया विचों अलग किया। बचियो, आज तो लेके दुनिया मांग ना रहो, प्रभु दी संतान बन के तुरना है। सुन लिया सारे, परमेश्वर दी संतान बन के तुरना। तां जो प्रभु ने आज आशीष देना। योगनाथ दी अंजील उदी नौवां दी छे तो असीं पढ़ते हैं, जो मिट्टी तो तुकिया, वह मिट्टी पवित्र हो गया, लेवी बनाया, उदी अखां उत्ते लगाया, लगा के यीशु ने दसिया तू जाके साफ करो, की बन गया, उदी अखां साफ हो गया। हालेलुया हालेलुया। इसे तरह लुका दी अंजील उदी पांचवां दी चार तो असीं पढ़ते हैं, जो चेला अपनी मर्जी, जो पूरा रात मेहनत किया, वजन में चल गया, मच्छी बढ़ना शुरू हो गई। संत लुका दी अंजील उदी पांचवां दी चार तो असीं पढ़ते हैं, लिख के रख लो, घर जाके पढ़ना है। जो चेला पूरी रात मेहनत किया, यीशु ने आख्या कुछ मिल गया। चेले ने दसिया, प्रभु जी पूरी रात असीं जाल पाते रहा, सानू एक भी नहीं मिलिया। प्रभु ने दसिया तू इत्थे पाओ, वचन साफ साफ लिखिया, खुदा पूरी रात असी मेहनत किया, सानू एक टुकड़ा भी नहीं मिलिया, पर तुहाड़े कहने दे उत्ते मैं जाल लाउंदिया। हालेलुया हालेलुया। यीशु दे कहने दे उत्ते जाल लाया, जिते पूरी रात लाउंदा सी, फिर की हो गया, जाल विच मच्छियां भर गया। इसे तरह बचियो, यीशु दे कहने दे उत्ते तुरेगा, यीशु तुहानू उड़ाया। बस मैं यही दसना, खुदा दे कहने दे उत्ते अज तों तुरो, खुदा दे वचन तो तुरो, तां जो परमेश्वर तुहानू गरीब तो उड़ाना, बीमारी तो उड़ाना, परेशानी तो उड़ाना। हालेलुया हालेलुया। सारे खड़ा जाइए यीशु दा नाम ते। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे। हालेलुया हालेलुया। अज दा वचन मैं सवेरे प्रार्थना कर रहा सी, जो वचन परमेश्वर ने मेनू दिता है, मैं लिख के रखिया है, जो और भी है, पर मैं सोची अज प्रार्थना करेगा। परमेश्वर का वचन मैं कहता तुम सारिया ने छूना है। मैं देख रहा अज हजारा की गिनती लोहा यीशु छू रहे। ये कल चा ध्यान सुनो, जरा किराए से रेंद दुआ करो, जिन्होंने कमरा कंप्लीट नहीं हो गया, जो घर मकान हूं तक पूरा नहीं बनाया, दुआ करो। शादी की रुकावट दूर होने के लिए दुआ करना है, बच्चे का वरदान के लिए दुआ करना, कैंसर शुगर गुर्दे की बीमारी दूर होने के लिए प्रार्थना करना। मैं कहता खुदा ने अज तुहानू छूना है। हालेलुया हालेलुया। इधर पहले दो तीन गलां ध्यान ना सुनो, फादर जी ने, फादर जोसफ जी ने बड़ा रिक्वेस्ट किया सी, मैं कभी मिलता नहीं लोगों नू, पर सारे आवना नहीं, मैं कल 10 बजे तो लेके 12 बजे तक सिर्फ 2 घंटा मैं इतने इतने बैठूंगा, 10 जो लोगों नू मिल सकता है इन्नी चेर 2 घंटे बिच, सो तुसी जरूर तुआला मिल सकता है। पहली गल। दूसरी गल, तुसी आज देखिया है काश प्रार्थना हो गया सी, पर मेरी रूह कुछ नहीं हो गया, इसलिए कुछ नहीं हो गया। तुसी कई लोग लेट आ गया, लेट आके लाइन में खड़ा रहने का कोई फायदा नहीं। साड़ी प्रार्थना शुरू होने तो पहला तुसी चर्च में बैठो, प्रार्थना शुरू करो। कल बाबू जी कोई 3 बजे तो पहले चर्च में बैठेगा, प्रार्थना करते ही रहेगा, सो इसलिए 3 बजे तो अपना 3:30 बजे तक प्रार्थना करना है, जो 2:30 बजे तो 3 बजे तक, 3 बजे कल प्रार्थना शुरू करेगा। हालेलुया हालेलुया। जो भी इस प्रार्थना विच हिस्सा लेना है, जिन्होंने पासपोर्ट लेके आना, क्योंकि जड़ी गल मैं उत्थे समझाना तुसी ध्यान नाल सुनेगा ता बरकत मिलना है। हालेलुया हालेलुया। कभी 4 बजे आ गया, फिर किसी ने लाइन ते बिठाया, उन्हें नहीं पता की करना किदां करना, सो इसलिए जो मैं सोचिया मैं 3 बजे
जो दरवाजा बंद करूंगा, जिदा पांच बुद्धिमान पांच मूर्ख जो प्लीज जो भी प्रार्थना विच हिस्सा लेना ढाई बजे अंदर ही आना, ठीक है सारे नाल जो भी चीज ते ब्लस करना है, सारे नहीं आना क्योंकि ब्लसिंग इतने कल शाम में होना है, पासवर्ड तुसी कल लेके आ सकता जो उत्ते, सो उत्ते दी प्रार्थना कल दी जिन्हों कैंसर है जिन्हों गुर्दे विच तकलीफ है इदां दी बड़ी बड़ी मरीज सिर्फ आना, बाकी आने का कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं ये जो प्रार्थना परमेश्वर ने मैनू दसिया है खास करके कैंसर की मरीज गुर्दे की मरीज जड़ा शुगर जो कदर नहीं होता है जड़ा चल फिर नहीं सकता है वो खो उत्थे आ सकता है, सुन लिया सारे जो लेट आने का कोई फायदा नहीं, उदे बाद फादर जी ने मिलना मैनू मिल के कुछ मिलना नहीं, मैं इसलिए सोचिया सवेरे मैं तुहानू दो घंटा मिलना फिर मैं थोड़ी देर मैनू मिलना दुआ करने के लिए, मैं फिर शाम फिर तुहाडे लिए दुआ करना, फिर मैनू थोड़ा समा चाहिए शाम नू कल आखिरी दिन दुआ भी करना ना तुहाडे वास्ते, हालेलुया हालेलुया। जो भी तुहाडी बेनती है यीशु मसीह पौन विच अजकल पूरी एतवार नू असी जागरण करते हैं सारे सिस्टम असी सारे अते हर फ्राइडे भी असी उत्थे उहदे लिए तुसी आउण दा कोई लोड़ नहीं है, असी तुहाडे लिए अरदास करते हैं हर एतवार, इसलिए मैं कर रहे जो संडे आए हुए लोग चंगाई अपने घर विच पाने के लिए शांति नाल रहने के लिए उन्होंने घर विचों लड़ाई झगड़ा दूर होने के लिए असी पूरी रात नू दुआ करते हैं क्योंकि मैं परमेश्वर दे लई खुदा दे लई जीना मरना पा प्रभु दे नाम ते, हालेलुया हालेलुया। दूसरी गल जड़ा शुक्रवार दा जागरण है जिन्हें भी पैना भरावा जो यीशु मसीह पौंद नाल जुड़िया है ओपरिंग दिन उन्हें सारे दिल असी प्रार्थना करते हालेलुया हालेलुया। नाल आज तो लेके अमृतसर दा कन्वेंशन भी हर शुक्रवार दी प्रार्थना विच तुसी भी आएगा, हर सेकंड फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे यानी दूजा शुक्रवार पूरी रात दी जागरण प्रार्थना है, प्रभु दी बड़ी आशीष है, अमृतसर तो सीधे बस है रोडवेज मेरे गेट ते रुकदा है, दो बस है एक नहीं दो है, देखो प्रभु दी कृपा है परमेश्वर दी कृपा, अमृतसर तो बहुत ट्रेन है बठिंडा तक, बठिंडा तो बस मेरे गेट ते रुकदा है, जदों प्रभु ने मैनू उत्थे पहुंचा उस दिन तो नवा नवीन दो गड्डियां पाया है परमेश्वर ने सरकार ने, खुदा दी आत्मा है जो काउंटर नंबर 3 तो सवेरे 1:30 बजे चलती है, यीशु मसीह फोन में असी प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, खुदा दी आत्मा मैं कहता थोड़े विच बहुत चुने के लिए जा रहे हैं, आत्मा कम करना माड़ा जहा हाथ उड़ाइए सारे, हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति होवे, यीशु तेरी स्तुति होवे, हालेलुया हालेलुया। होवे हाथ उड़ाइए हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मेरे ते दया कर, आज मेरे ते दया कर, हालेलुया हालेलुया। जिन्होंने गले विच रोसरी माला पाया कमी दबार सूट दबार पाके रगलो खुदा दी आत्मा कम करना, सी पवित्र आत्मा दा वजन गाने के लिए जा रहे, प्रभु दी आत्मा ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਦਰ ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਣਮਾਲਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਉ ਸਿਹਾਰ ਕਲੀਏ ਇਤਰਾਵ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਨਾਦ ਭਰਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਗਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੂਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, परमेश्वर ने चंगा मौसम दिता है, खुदा ने साडे विश्वास नु हिलाने के लिए देखिया यानी थोड़ा जा कणिया पाना शुरू हो गया पर खुदा साडे नाल रहिंदा है, परमेश्वर सानू वधिया मौसम दे रहे, तुसी सारे प्रार्थना करो सारे हाथ उड़ाइए हालेलुया हालेलुया। असी पवित्र आत्मा दा भजन गा के प्रभु दी उड़ियाई करेगा, एक गल ध्यान ना सुना इधर उधर नहीं तुरना है घूमना भी नहीं है, हाथ उड़ा के पूरा जोश नाल पूरा खुदा दी आगे प्रार्थना करो, यीशु आज मेरे उत्ते दया करो, मेरे वल देखो, मैनू उठाओ जित तक तुसी मैनू पहुंचाओ, इसलिए जो प्रावा है पैना इतने हैं जड़ा शराब पींदा है अज वायदा करो मैं शराब छड़ दिता, जड़ा नशा करदा है खुदा दे नाल वायदा करो मैं मौत तक नशा नहीं करना, जड़ा जरदा गांदा है जो भी है इस तरह की गलत रास्ते तो तुरदा है, जो बच्चे हो नौजवान लड़के लड़कियां सारे गलत कमानी छोड़ दो,
ईमानदारी खुदादा नाल ईमानदारी विच जीना तां जो परमेश्वर ने तुहानू बचाना हालेलुया हालेलुया हाथ उठाइए सारे हालेलुया हालेलुया पाकरु खुदा वंदिया 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 पाकरु मन मेरे दिल विच आ ए दिल अपनी है कल बड़ा मेरे मन मेरे दिल विच आ ए दिल अपनी है कल बड़ा मेरे मन मेरे दिल विच आया ए दिल अपनी है कल बड़ा मेरे मन मेरे दिल विच आ ए दिल अपनी है कल बड़ा पाकरु खुदा वंदिया देखो मेरे जीवन वाल मेरी जिंदगी वाल देखो हे सुधा नाम से संत सारे झूठ कर दो सारे हाथ उठाइए हवा निकले कर ले जीसो हाथ उठा के ताली उठा के प्रभु की जय करो जीसो तेरा वचन मैनू चलना सिखावे तेरा लहू मेरे पाप मिटावे तेरा वचन मैनू चलना सिखावे तेरा लहू मेरे पाप मिटावे तेरा वचन मैनू चलना सिखावे तेरा लहू मेरे पाप मिटावे तेरा वचन मैनू चलना सिखावे तेरा लहू मेरे पाप मिटावे Yeah.
यीशु सन जुड़े यीशु आई तेरे यीशु की शक्ति आत्मा आज हर एक दोते काम करे यीशु नु बोलो हे प्रभु यीशु रुकी दे रोज साडे पर यीशु आज सानु चुके चंगा कर आज साडे ते अपनी आत्मा की शक्ति कर दो यीशु दा नाम ते कुरक भूल जाने दो यीशु दा नाम ते दुख आत्मा निकल जाने दो यीशु दा नाम ते बीमारी भिन्ना मिचो निकल जाने दो फिर यीशु दा नाम ते रोटी दे रोज आए होया फिर यीशु इना सारे नु छू लो इना दे परिवार दिया सारी समस्या नु दूर कर बंधन नु छोड़ दो हे प्रभु यीशु आज इना सारे नु आशीष दो इना नु अपनी आत्मा नाल भर दो यीशु जी 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 ओ यीशु अपनी आत्मा नाल भर दो सारी उच्ची बोलो हाथ उठाइए भगवान करो करके सारी मचा के प्रभु की बड़ियाई करो यीशु की उत्तर करो यीशु का नारा मार के हे दावी द पुत्र यीशु हर उच्ची बोलो आज सारो छू लो खाड़ी कमजोरिया ने दूर का हर उच्ची बोलो खाली उजाइए खाली उजाके पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बंधना तो मैनू बचा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बंधना तो मैनू छुड़ा यीशु दी आत्मा हालेलुया यीशु दी आत्मा यीशु दी आत्मा यीशु दी आत्मा बंधना तो मैनू जुड़ा हालेलुया यीशु दी आत्मा बंधना तो मैनू जुड़ा पवित्र आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गीत गाऊंगा जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गीत गाऊंगा मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह मैं ताली बजाऊंगा Oh,
परिवार के जीवन बदल रहे बहुत रोहानी कमाई आशीष दे रहे कई पेपर देना है जो भी तुम्हारे लोन है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम परमेश्वर दूर कर रहे हैं हाथ उड़ाइए सारे बाबा ने खड़े करके रखो जिस गड्डी विच तुसी आया उस गड्डी नु यीशु ब्लेस कर रहे हैं यीशु दी आत्मा सारे अपने गले विच रोजरी माला पावो जो कमी दबा सुट दबार यीशु मैं गंदा तुहानु देख गया है जो यीशु मसीह ने लाजर दी लाश नु देख गया है मिट्टी नु थुकिया ते इस्तेमाल के दाज तो लेके यीशु नु बोले मेनु भी इस्तेमाल कर मेरे परिवार दे लई मेरे बच्चे दे लई मेरी घरवाली वास्ते मेरे घरवाले वास्ते यीशु तू इस्तेमाल कर मेनू मेरे परिवार वास्ते मेरे इलाके दे लई यीशु मेनू इस्तेमाल कर यीशु मेरी जीवन नु इस्तेमाल कर मेरे दिमाग नु इस्तेमाल कर मेरा दिल नु इस्तेमाल कर यीशु अज तो लेके यीशु थोड़े नाल तुरने के लिए मेनू वरदान दो थोड़े विच जीना थोड़े विच मरना है यीशु दे नाल जीने के लिए अते हर संडे चर्च आउण के लिए वायदा करो अते वारी वारी पाव सिंहार करने के लिए खुदा तो वरदान मंगे यीशु अज मेरे उत्ते दया कर हाथ उड़ाइए दोवे हाथ उड़ा के प्रार्थना करते रहो यीशु कितने लोहानु अज छू रहे जो भी तुहाडे हाथ विच पासवर्ड है जो भी चीज है उन्हां सारे नु यीशु ब्लस कर रहे हैं यीशु ने देखिया है तुहाडे नौकरी का पेपर है जो भी तुहाडी समस्या है वीसा की रुकावट शादी का रुकावट बच्चे का वरदान परमेश्वर दे रहे यीशु तुहाडे उत्ते मेहर कर रहे यीशु दा नाल तुरो बचो अज तो लेके अपना जीवन नु सुधारो यीशु दा नाल जुड़े रहो प्रार्थना करते रहो खुदा दे नाल जुड़े रहो यीशु तुहानू आशीष दे रहे बरकत दे रहे हालेलुया 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 सारी शांति नाल प्रभु दुड़ियाए कर दे हालेलुया 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 हाथ उड़ा कर रखो अपनी अखां नु बंद करिए अते प्रभु दी शक्ति नु अनुभव करो सिर तो लेके पैर तक प्रभु दी आत्मा वगदा है परमेश्वर दी आत्मा सिर तो लेके पैर तक वगदा जिस तरह प्रभु दा वचन है सामूएल ने परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी शक्ति नाल भर दिता है खुदा दी आत्मा परमेश्वर दी आत्मा अज तुहाडे उत्ते कम कर रहे दानियल नु प्रभु ने शक्ति नाल भर दिता है दानियल दे उत्ते इसलिए शेर हाथ नहीं लगाया अज तो लेके मेरे उत्ते भी मारी हाथ नहीं लगाना अज तक मेरे उत्ते गरीबी हालत हाथ नहीं लगाना अज तक मेरे विच दुख हाथ नहीं लगाना बोलो अज तक अज तो लेके मेरे परिवार विच लड़ाई हाथ नहीं लगाना
ए यीशु आज मेरे उत्ते आकर हाथ उड़ाइए भवन खड़े करके बोलो ए यीशु आज तो लेके मेरे उत्ते कोई दुष्ट आत्मा हाथ नहीं लगा दो आज तो लेके कोई शराब पीने की आदत मेरे उत्ते हाथ नहीं लगा दो कोई नशा करने की आदत मेरे उत्ते हाथ नहीं लगा दो अज तो लेके मेरे उत्ते कोई बीमारी हाथ नहीं लगाना अज तो लेके कोई गरीबी हालत मेरे उत्ते हाथ नहीं लगाना यीशु गुरदे की बीमारी नु दूर कर कैंसर यीशु दा नाम ते निकल जाने दो जख्म सुख जाने दो यीशु अज तेरी आत्मा हरेक दो ते कम कर रहे हालेलुया हाथ उड़ा के रखो हालेलुया हालेलुया ध्यान न सुना हाथ उड़ा के रखो अपनी कान बंद करो हुण दो मिनट के लिए यीशु दी आत्मा हरेक दो ते कम कर रहे मैं देख रहा किसी के पेट विच जख्म यीशु सुकारे जख्म सुकारे चलने के लिए शक्ति दे रहे बड़ी बड़ी बीमारी तो प्रभु यीशु छुटकारे दे रहे हड्डियां टूट गई प्रभु यीशु जोड़ रहे खुदा दी आत्मा अज कम कर रहे हाथ उड़ा के रखो सारे सिर दा नाड़ा ब्लॉक से वेन ब्लॉक से ओ प्रभु यीशु खोल रहे किसी दा दिल विच शेक प्रभु यीशु दिखाई दे रहे ऑपरेशन दा लोड़ नहीं यीशु चंगाई दे रहे गले विच जड़ा जख्म जख्म गले दा जख्म गिल्टियां रसोली जो भी है यीशु ठीक कर रहे जड़ी अखू विच जो चिट्टा मोती जो भी है जो दिखाई दिता सी साफ दिखाई नहीं दे रहा सी अज परमेश्वर तुहानू अख विच आशीष पाया अते तुहाड़ी जड़ी परेशानी अख की परेशानी यीशु ने दूर कर दिता है साफ दिखाई दे रहे प्रार्थना करो काफी चेर बैठना उठना मुश्किल सी खुदा शक्ति दे रहे हाथ उड़ा के रखो दो हाथी सिंह तेरे हालेलुया हालेलुया आगे नहीं आना अज जिन्हां दे सिर विच दर्द सी दर्द हड्डिया जिदे नाड़ा ब्लॉक इस तरह की परेशानी ब्रेन ट्यूमर जो भी है सिर दे जो भी समस्या वो समस्या हड्डिया वो सिर्फ जिथे खड़ा उत्ते हाथ उड़ाओ जिन्हां दी हड्डी विच तकलीफ सी हड्डिया विच कोई भी हड्डी क्रैक हो गया टूट गई है जिहड़ी थकली हड्डिया वो भी हाथ उड़ाओ यीशु चंगाई दे रहे जिदे शरीर विच जख्म मैं देख रहा कई आंदे शरीर खास करके तीन है दो भैणा एक भरावे जिदे शरीर विच जख्म प्रभु यीशु सुकारे जिन्हां दा भी शरीर विच जख्म एलर्जी है कारी प्रभु यीशु दूर करे हाथ उड़ाइए वावा शीर दे जड़ी बीमारी प्रभु यीशु पूरी तरह निकाल रहे पाइल्स जड़ी सिकनेस यीशु दूर करे कैंसर दो भैणा कैंसर की बीमारी तो प्रभु यीशु छुटकारा दे रहे जो पेट विच जड़ी तकलीफ है वह तकलीफ खुदा दूर करे जो चंगाई मिल रहे जो आराम महसूस करे हाथ उड़ा के रखना क्योंकि तुहाड़े लिए असीं प्रार्थना करना है जिन्हां दे गुरदे विच जिहड़ी तकलीफ सी दर्द हट गया है दर्द दूर हो गया हाथ उड़ाइए प्रभु यीशु आशीष दे जो हाथ उड़ाया है दोवे हाथ उड़ा के रखो मैं तुहाड़े लिए दुआ करने के लिए जा रहे बाकी शांति नाल बैठना जिन्हां ने हाथ उड़ाए खड़े ही रहो ये प्रभु यीशु जो भैणा भरावां इत्थे खड़ा है अज बहुत लोहान प्रभु ने छूया मैं देख रहा सी तकरीबन हर एक दे घर विच आशीष आ गई मैं कहता जदों तुसी जाना है कोई भी रौला पा के नहीं जाना देखो कितने लोगों नूं प्रभु यीशु ने चंगाई दिता क्योंकि अज जदों मैं कमरे विच बैठा मैं देख रहा यीशु तुरदे रहिंदा इसे तरह यीशु साडे विच घूमदे ही रहिंदा सी हालेलुया हालेलुया तुहाडे लई प्रार्थना करेगा जिन्हां नूं जो चंगाई मिल गया है वह हाथ उड़ा के खड़े ही रहो बाकी बैठो हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी स्तुति होवे यीशु तेरी स्तुति होवे हाथ उड़ा के हाथ उड़ाए जिन्हें चंगाई मिल गया हालेलुया 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 सर्व शक्तिमान ते हाल खुदा जो पैणा प्रावा इते कड़ा है जिन्हां नूं तू खास करके छूया है जिस तरह वजन में चल गया काफी दुनिया से उन्हां विचों एक अवृत नू प्रभु ने छूया जिन्हों रतवा की बीमारी से 12 साल तो और किसी ने नहीं छूया इस तरह अज हजारों की गिनती आए हो ये पैना प्रावां विचों यीशु एक एक नू चुन के छूया था तुसी ते कड़ा हो वजन गंदा है अज परमेश्वर ने तुहानू छूया घोड़ी ने विश्वास नाल यीशु नू आखिया प्रभु
जे अगर तू चाहे तू मेनू चंगा करो। यीशु ने आगे मैं चाहते आज बचियो जो बैंड प्राइज ते खड़ा है उन्होंने लिए यीशु ने किया क्या मैं चाहते हाँ थोड़ी भी मारी दूर होने दो। यीशु ने दूर कर दिता। हे प्रभु यीशु जो भैन भरा इतने आए हैं जो कड़े हैं खास करके अपने अपने घर में जाके गवाही देने का वरदान दो। तुसी याद रखना घर जाके सवेरे फोन करके वक्ख वक्ख लोगों अज की गवाही दसना वचन कहता है तू यीशु दी गल्लां करो तां जो मैं थोड़े उत्ते मेहर करना है। हालेलुया हालेलुया। जो कड़े हैं थोड़ा जा अगे आ जाओ सारे नहीं बुला रहे जिन्हों का मन करता थोड़ा जा जो कड़े हैं थोड़ा अगे आ जाओ जो असी गवाही दिता है प्रभु यीशु तुहानू आशीष देना जो थोड़ा जा अगे आ जाओ बैठना नहीं है कड़े रहो थोड़े लिए दुआ भी करूँगा। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा जा अगे आ जाओ जो कड़े हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। दो तीन गल्लां ध्यान नाल सुनना फादर जी हुण वी मैनू याद कर रहा सी फादर जी का फादर जोसफ जी का प्यार तुहाडे वाले फादर जी ने आखिया शामां दी जिहड़ी प्रार्थना एक बार और चेते करो एक गल ध्यान नाल सुनना शामां नू 2:30 तुसी इत्थे जिहड़ा चर्च विच पहुंचना। असी 3 बजे प्रार्थना शुरू कर गए इसलिए 3 बजे तो पहले प्लीज पाक बाणी छिड़कण दा समां तुसी ते होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। नाल तुहाडे तेल दा नाल तुहानू मसा करन दा समां यीशु आप तुहानू ब्लस करना है तुहाडी परेशानियां नू यीशु ने दूर करना। सो दूसरी गल मैं तुहानू दसिया मैं वैसे किसी नू नहीं मिलता फिर भी फादर जी दा कहने दे उत्ते कल 10 बजे तो लेके 12 बजे तक मसा 10 या 15 लोगों नू मिल सकदा ज़्यादा आउण दा कोई लोड़ भी नहीं। वह भी एक गल ध्यान ना सुनो जो आज आ गया कल आ गया ये नहीं अज तक नहीं आया उन्हें मैं मिलना भी नहीं है मैं पहले पूछना तुसी आज आ गया या कल आ गया है। सो वैसे मिलन का कोई फायदा नहीं है भजन सुनना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। दूसरी गल जो सिस्टर जी सवेर तो मिलते रहेगा इतने मैं भी इधर ही होगा जो 10 बजे तो बाद जो 12 बजे तक प्रार्थना करो 12 बजे तो बाद मैं नहीं मिलना जिनी है तुसी दूस प्रार्थना भी करते रहना शामां नूं मैं फिर तुहाडे सिर ते हाथ रख के दुआ करना। कल मैं 7:30 बजे प्रचार शुरू करूँगा अज देखो समा इतना हो गया जो तुसी लेट हो गया इसलिए जो वचन अज तुहाडे वास्ते मैनू दिता मैं पूरा सुना ही नहीं सुनाना शुरू करे अज 1 बजे तक जाएगा। अज मेरा मन भी लग्या मैं देखिया प्रभु की आत्मा कम करता है बड़ी शांति महसूस कर रहा सी। हालेलुया हालेलुया। ए पैन जी दसे हन इन्हां दे जिस तरह फादर जी ने दसिया किसी के दिल विच शेक है ये कहिंदे इन्हां दे दिल विच शेक सी पर जदों आराधना चल रही सी प्रार्थना चल रही सी तां इन्हां ने महसूस किया प्रभु यीशु ने इन्हां नूं छूया है ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਜਾ ਕੇ ਈਸ਼ੂ ਦੀ ਆਈ ਕਰੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾੜ ਸਿਰ ਦੀ ਨਾੜ ਬਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾੜ ਬਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਿਰ ਦੀ ਨਾੜ ਬਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਈ ਕਰੀ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਨ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਸੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ ਪਾਣੀ ਤੇਲ ਬਣੋ ਔਰ ਗਰੋਸਰੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਰੁਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹੱਥ ਉਡਾਈਏ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹੱਥ ਉਡਾਕੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ। ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ। ਇਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੋ ਰਸੋਲੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਗਿਲਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਗ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਲੇਲੂਯਾ ਹਲੇਲੂਯਾ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਤਿ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਏ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ